हेलो हेलो बहुत सारा ऑल्स है यार पर थोड़ा वैसे ही कम करना पड़ेगा हेलो बस बस ठीक नहीं थोड़ा कम बेचारे ठीक है बस थोड़ा कम हेलो हाँ ठीक है हेलो 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 ओके डू यू गाइस हैव मास्टर प्रॉब्लम्स मास्टर प्रॉब्लम्स जो मैंने शेयर की थी आज ग्रुप पे रैपिड रिवीजन के ग्रुप पे कोई बात नहीं ठीक है मास्टर प्रॉब्लम्स एक बच्चा आ रहा है मेरी रिस्पांसिबिलिटी जा रही है इसलिए हेलो हेलो राइट All सो right. All right. So, welcome guys, फॉर for this बैच फास्ट ट्रैक fast track rapid revision 4.0 और सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं मेरे सामने कुछ फेस टू फेस के प्यारे बच्चे बैठे हैं तो मेरी बीच बीच में नजरें यहां पर भी जाएंगी और पूरा टाइम आपके साथ भी मेरी नजरें होंगी सो so, ऑनलाइन में जो भी बच्चे हैं उनका सबसे पहले मोस्ट वेलकम और हम आज से शुरू कर रहे हैं फास्ट ट्रैक रेपिड रिविजन 4.0 अब सबसे पहले स्टार्टिंग के पांच से सात मिनट बस एक छोटा सा इंट्रो समझ लीजिए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है सबसे पहले ये रैपिड रिवीजन कौन से अटेम्प्ट के लिए हो रहा है हमारा बिल्कुल अपकमिंग अटेम्प्ट आने वाला है मई 24 बट एट द सेम टाइम ये लेक्चर्स पूरे के पूरे एप्लीकेबल होंगे नवंबर 24 लेक्चर्स के लिए भी अटेम्प्ट के लिए भी क्या हम इस रैपिड रिवीजन में 100 परसेंट कोर्स कर रहे हैं बेटा पॉसिबल नहीं हो पाएगा बट मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं 75 से 80 परसेंट सिलेबस कवर करूं जिसमें मेजर टॉपिक्स कवर होते हैं लाइक अमेलगमेशन कंसोलिडेशन ब्रांच कैश फ्लो और सारे के सारे फाइव स्टार एंड फोर स्टार कैटेगरी ए एस जहां तक हम बात करते हैं फाइव स्टार स्टार और फोर कैटेगरी की तो दिस इज गोइंग टू बी द शेड्यूल दिस इज गोइंग टू बी द शेड्यूल ये शेड्यूल होने वाला है मैं इसी सीक्वेंस में चलूंगा अब मैं किस टॉपिक के लिए कितने क्लासेस लूंगा ये मैं नहीं बता सकता हूं डिपेंड करता है कि जैसे अमाइल कमीशन है अमाइल कमीशन ऑब्वियसली एक क्लास में हो नहीं पाएगा मैंने माना है कि कम से कम मुझे पांच से छह घंटे लग जाएंगे टोटल अमाइल कमीशन करवाने में वैसे ही कंसोलिडेशन हो गया कैश फ्लो हो गया ये वगैरह वगैरह तो ये सीक्वेंस हमारा होने वाला है तो इस सीक्वेंस के हिसाब से हम चलेंगे ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट इज कंप्लीट शेड्यूल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया कंप्लीट शेड्यूल उसके अलावा कंप्लीट शेड्यूल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा टेलीग्राम का जो ग्रुप है रैपिड रिविजन का वो ज्वाइन कर लेना आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा क्या क्या कवर होगा सर ऑब्वियसली अकाउंट से बेटा मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा दूंगा आपको क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा आपको समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है तो ये बेसिकली थ्योरी थ्योरी हो जाएगा कंसेप्ट पढ़ा दिया तो तो कंसेप्ट के साथ मैं आपको मास्टर प्रॉब्लम्स करवाऊंगा सर ये मास्टर प्रॉब्लम क्या है मास्टर प्रॉब्लम ये है ये मास्टर प्रॉब्लम्स का नोट्स है ये कंप्लीट नोट्स मैंने शेयर किए हैं आपके साथ मास्टर प्रॉब्लम्स ये बेसिकली मास्टर प्रॉब्लम्स मैंने अपनी ही किताब से जो मेरे जो मेरी खुद की किताबें हैं जिसके अंदर मैंने सभी आईसीआई के मॉड्यूल्स आरटीपी एमटीपी कवर किए हैं अपने खुद के एग्जांपल्स होते हैं वो मैंने वहां से एक्सट्रैक्ट लेके मैंने एक सेपरेट पीडीएफ फाइल बनाई है और उनको मैं मास्टर क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं ये सारे के सारे मास्टर क्वेश्चन आपको फ्रीली अवेलेबल प्रोवाइड कर रहा हूँ पीडीएफ आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना अपने लिए क्या होता है हमेशा हर एग्जाम में मैं टॉप हंड्रेड क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं कभी टॉप हंड्रेड होते हैं कभी टॉप टू हंड्रेड होते हैं मुझे नहीं पता कि इस बार टॉप हंड्रेड होने वाले हैं कि टॉप वन फिफ्टी होने वाले जितने भी होने वाले वो ये होने वाले हैं मतलब ये एक ऐसी मिनिमम से मिनिमम चीज है जो आपको करके ही जाना है बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको इसके अलावा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए अगर आप एडवांस अकाउंट में एग्जामेशन टारगेट कर रहे हो तो इनके अलावा अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज जरूर करिएगा अगर आप किसी दूसरी फैकल्टी से पढ़ रहे हो तो आप अपने खुद के भी नोट्स रिफर जरूर करिएगा बिकॉज एट दिस टाइम नोट्स चेंज करना बहुत ही गलत हो जाएगा तो आप अपनी फैकल्टी के नोट से भी रिफर कर सकते हो बट मास्टर प्रॉब्लम जरूर करके जाइएगा देन मास्टर क्वेश्चन हो गए कॉन्सेप्ट हो गए मैं कॉन्सेप्ट भी सारे के सारे करवाऊंगा जो भी मैंने शेड्यूल रखा है अब मास्टर क्वेश्चन के लिए मैं पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं सर ये पीडीएफ हमें कहां से मिलेगी आपको ना एक लिंक दे रहा हूं मैं और ये लिंक ना अपने पास अपने व्हाट्सएप पे नोट्स में डाल के रखो सेव करके रखो उस लिंक का नाम है ऑल इन वन लिंक मैं आपको दिखा देता हूं कि ऑल इन वन लिंक कैसे दिखती है ये सारे फोल्डर मिलेंगे ऑल इन वन लिंक में इसमें मैंने सारे के सारे न्यूली एडेड टॉपिक डाल के रखे हैं न्यूली एडेड टॉपिक के लेक्चर्स भी यूट्यूब पर अवेलेबल है जिनका मैं रेपिड रिविजन भी लूंगा ऑडियो रिविजन इसके अंदर सारे के सारे ऑडियो रिविजन आएंगे और ऑडियो रिविजन को मैं वापस से रिज्यूम कर रहा हूं मतलब जो भी ऑडियो रिविजन अवेलेबल नहीं है आज से ही मैं जैसे ए एस नाइनटीन आज में करवाऊंगा तो इसका ऑडियो रिविजन भी मैं डाल दूंगा रात को बारह बजे तक तो ऑडियो आएंगे उसके बाद के सारे के सारे के इसमें आएंगे उसके बाद MCQ, MCQ मैंने डालना शुरू कर दिए हैं पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एमसीक्यू मैंने डालना शुरू कर दिए हैं जिसके अंदर आपको आईसीआई बीओ के एमसीक्यू मिलेंगे पार्ट वन में और पार्ट टू में आपको मिलेंगे मेरे वाले एमसीक्यू जो मैंने खुद बनाए हैं वो सारे के सारे आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे अलॉन्ग आंसर्स

कंटेंट तो वही है बेटा ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपना कुछ अपना नया कंटेंट बना लिया ए एस नाइन एस जितने भी है वो सब वही है तो आप अपने फैकल्टी नोट्स पे रिलाई कर सकते हो ईगल व्यू चार्ट बुक में आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे चार्ट जो है वो इस तरीके से दिखेंगे तो होगा क्या कि वो मेरे को चार्ट्स में रिवाइज करवाने में ज्यादा आसान जाएगा और आपको भी पढ़ने में कंपाइल करने में ज्यादा आसान तो ये आपके ऊपर है अगर आपके पास चार्ट बुक है तो ठीक है नहीं है तो ले लीजिए नहीं लेना है तो कोई बात नहीं आप अपने फैकल्टी के नोट्स लेकर मेरा वीडियो से पढ़ सकते हो मैं आपको एश्योरेंस कर रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी ठीक है नेक्स्ट इज ये सब हमारा हो गया सर लेक्चर का ड्यूरेशन क्या होगा कैसा होगा हर एक लेक्चर डेढ़ घंटे के हिसाब से हो सकता है साढ़े छह से आठ बजे तक कभी कभार आठ का सवा आठ भी हो सकता है अब सर टोटल लेक्चर्स कितने होंगे बेटा ये लॉ नहीं है जो मैं आपको 10-12 दिन में कंप्लीट करवा दूं मुझे आपको क्वेश्चंस करवाने हैं आप मुझसे डेफिनेटली अमेल एक्सपेक्ट कर रहे हो कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके बाद आप मुझसे कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हो और बहुत सारे ए एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि पच्चीस से तीस दिन जाएंगे अब जिसको मेरे पेस के अकॉर्डिंग करना है वो करे जिसको मेरे पेस के अकॉर्डिंग नहीं करना है वो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है बट इतना टाइम लगेगा प्रॉपर रिविजन करवाने में एक और उसका रीजन बता रहा हूं जो हमारा रेगुलर कोर्स होता है वो ढाई सौ घंटे का होता है जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होता है वो डेढ़ सौ घंटे का होता है मतलब सौ घंटे कम अब अगर मुझे ये वाला लेक्चर लेना है तो कम से कम पैंतीस घंटे तो मुझे चाहिए पूरा का पूरा एडवांस अकाउंट खत्म करने में तो मैंने पैतीस घंटे के आसपास का एक सेट सेट uh, बनाया है मुझे थर्टी आवर्स लग जाएंगे क्योंकि बीच में मान लो संडे आएगा मुझे छुट्टी करनी है मेरी भी फैमिली है आपकी भी फैमिली है अलग अलग होगा ठीक है <laughs> तो बाकी सब चीजें आपको मैंने बता दी है रेपिड रिविजन में क्या क्या होना है इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना हो तो अपन लेक्चर आज के लेक्चर के एंड में बातें कर लेंगे अभी मुझे लगता है कि हमें अभी पढ़ाई करना शुरू कर देनी चाहिए तो जो पहला टॉपिक अपन करने वाले हैं वो करने वाले ए एस नाइनटीन लीजेस का ए एस नाइनटीन स्टार्ट करने वाले हैं लीजेस का तो चलिए शुरू करते हैं ए एस नाइनटीन हाँ मैंने आपको बोला कि मैं अपने दो नोट्स रेफर करूंगा एक तो चार्ट बुक और मैं अपना ही ए का बुक बीच बीच में रेफर कर सकता हूं जहां मुझे लगेगा कि मुझे कुछ ज्यादा बताना है वहां मैं रेफर कर सकता हूं तो ध्यान रखिएगा आप अपने नोट्स भी रखिएगा अपने साथ चलिए सो गाइस शुरू करते हैं ऑल राइट right, कोई किसी के क्वेश्चन तो है नहीं वैसे हमारी फैमिली बोलती है पढ़ाई करो हाँ यही <laughs> बिल्कुल सही चलिए गाइस लेट स्टार्ट विथ एएस नाइनटीन लीजेस सो कुछ कुछ बेसिक बातें Leases के अंदर क्या क्या होता है उसकी कुछ कुछ बेसिक बातें अपन पहले समझ लेते हैं बेटा में सबसे पहले दो पार्टी होती है एक लेसर और एक लेसी ठीक है ना तो कौन कौन होता है लेसर लेसी में क्या क्या करते हैं भाई हमें पता है कि जो लेसर होता है जो लेसर होता है उसको कंसीडरेशन मिलने वाला है उसको क्या मिलने वाला है कंसीडरेशन और वो अपनी असेट का पोजेशन ट्रांसफर कर रहा है ये है लेसर और दूसरा कौन है लेसी लेसी कौन है जो कंसीडरेशन पे करेगा जो कंसीडरेशन क्या करेगा पे करेगा और जिसको असेट का पजेशन मिलने वाला है असैट का पजेशन उसको मिलने वाला है ये दो पार्टीज है ए एस नाइनटीन में दोनों के दोनों पार्टीज की अकाउंटिंग होने वाली है सबसे पहले अगर बात करें कि लीजेस कितने टाइप का होता है तो लीजेस दो टाइप का होता है कौन कौन से टाइप का होता है ऑपरेटिंग तो तो लीज तो और फाइनेंस लीज अगर हम ऑपरेटिंग लीज की बात करें तो ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है इज नॉट अ फाइनेंस लीज लीज मतलब ऑपरेटिंग को डिफाइन नहीं किया गया है तो नॉट अ फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज 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 मतलब ऐसी जो फाइनेंस नहीं होती है ठीक है तो सर फाइनेंस लीज क्या होती है आपको अब यहां पर शब्दों पर ध्यान रखना है क्योंकि एमसीक्यू के अंदर बात कर सकते हैं वो लोग आपसे तो फाइनेंस लीज क्या है फाइनेंस लीज मतलब मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा फाइनेंस लीज मतलब जहां सब्सटेंशियल रिस्क एंड ट्रांसफर किए जाए क्या किए जाए ट्रांसफर कौन से रिवॉर्ड्स है मैं कार चलाऊंगा तो फायदे मुझे होंगे मैं अपने कार अपनी कार को अपने बिजनेस में यूज करूंगा तो उससे मुझे फायदे होंगे रिवॉर्ड्स हैं रिस्क क्या है अगर मैं कार चला रहा हूं तो उसका भी तो मुझे ही करवाना है ना ये मेरा रिस्क है मैंने किसी को ठोक डाला तो मुझे ही उसको रिपे क्लेम देना पड़ेगा यह मेरा रिस्क है इंश्योरेंस करवाना मेरा रिस्क है तो अगर मैं अपनी कार के मैक्सिमम रिवॉर्ड और मैक्सिमम रिस्क तुम्हें ही ट्रांसफर कर दू मैक्म रिवॉर्ड और मैक्सिमम रिस्क कैसे काउंट होगा मान लीजिए कार की लाइफ है दस साल और दस साल तक मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे दस साल तक मुझे रिस्क मिलेंगे ठीक है अब मान लीजिए मैं नौ साल के लिए तुम्हें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर रहा हूं तो इसको क्या बोलेंगे सबस्टेंशियल तो सर शियल होने के लिए कुछ परसेंटेज लगता है जनरली नहीं पर आमतौर पर सेवेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा अगर लाइफ चली गई सेवेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा हो गई तो उसको सब्सटेंशियल माना जा सकता है ठीक है आ रही क्या मेरी बात समझ में तो यहां पर फाइनेंस लीज मतलब ऐसी लीज जहां लेसर अपने सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर कर दे सर इसको सिंपल भाषा में समझाओ ना एक तरीके से ओनरशिप के सारे राइट्स प्रोवाइड कर दे तो ऑल राइट्स और मेजर राइट्स ऑफ ओनरशिप अगर लेसर ओनरशिप से जुड़े हुए मैक्सिमम राइट्स अगर वो ट्रांसफर कर दे लेसी को तो समझ जाना वो वो फाइनेंस लीज है सर इसको और दूसरी भाषा में समझाओ ना सो फाइनेंस लीज मतलब एक तरीके से हायर परचेज एग्रीमेंट फाइनेंस लीज मतलब एक तरीके से हायर परचेज जहां लीगल ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हो रही है पर ओनरशिप से जुड़े हुए सारे रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो रहे हैं ठीक है ठीके? तो ऐसी लीज को बोलते हैं फाइनेंस लीज और जो फाइनेंस लीज नहीं होगी उसको क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज अब एस नाइनटीन कहता है कि अगर फाइनेंस लीज है तो फाइनेंस लीज को पहचानने के कुछ पांच फैक्टर्स हमें बताए गए हैं फाइनेंस लीज को पहचानने के पांच फैक्टर्स बताए गए हैं इंडिकेटर्स बताए गए हैं अगर इन पांच में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो माना जाएगा कि वो फाइनेंस लीज है कोई भी एक कंडीशन कंडीशन पहली पहली condition क्या है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट द एंड ऑफ लीज टर्म मान लीजिए असट की लाइफ दस साल है मैं आपको अपनी कार सिर्फ दो साल के लिए दे रहा हूं आपको प्राइमा फेस ही लगेगा कि यार दो साल है ये तो फाइनेंस लीज होनी नहीं चाहिए बट मैंने कह दिया कि दो साल तक तुम यूज करो और दो साल के बाद इस असेट की ओनरशिप भी तुम ही ले लेना मतलब तुम मुझे दूसरे साल के एंड में एक अच्छा खासा पेमेंट कर देना जिससे तुम्हारे पास ओनरशिप चली जाए तो स्टार्टिंग के दो साल किसने यूज किया तुमने दो साल के बाद भी कौन यूज कर रहा है तुम ही तो सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास चले गए तुम्हारे पास तो इवन दो इस केस में अगर लीज टर्म मिनिमम से मिनिमम भी होगा कम से कम भी होगा तो भी वो फाइनेंस लीज हो सकती है अगर ओनरशिप ट्रांसफर मैंडेटरी हो रही है तो तो यहां पर ध्यान रखिएगा एमसीक्यू के अंदर याद रखना कि मिनिमम से मिनिमम लीज टर्म भी हो सकता है छह महीने का भी हो सकता है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन टू परचेज एट रिड्यूस प्राइस पहले वाले में था कि ओनरशिप मैंडेटरी ट्रांसफर होगी ऐसा एग्रीमेंट के अंदर ही बोला गया है कि हम तो आपको ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे पर दूसरा कंडीशन है कि मैं लेसर हूं आप मेरे लेसी हो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं कि तुम चाहो तो लीज खत्म का नहीं मेरे को देखो कैमरा को मत देखो हाँ आ रहा है कि नहीं तो लीस्ट टर्म खत्म होने के बाद पांच साल के बाद तुम यह चाहो तो अट खरीद लेना सपोज एक कार कोई भी कार का नाम ले लेते आ, अपने शुभम सर के पास कार है किया ठीक है ना किया सेल्टोस है पता नहीं कौन सी कार है सोनेट है हाँ किया सोनेट अब किया सोनेट फॉर एग्जाम्पल आती है तो पंद्रह लाख रुपए की अब पंद्रह लाख रुपए की गाड़ी है शुभम सर ने गाड़ी मेरे को लीज पर दे दी कितने साल के लिए तीन साल के लिए लीज पर दे दी क्या, ती। क्या तीन साल के बाद गाड़ी की वैल्यू क्या है एक दो लाख रुपए रहेगी नहीं ना तीन साल बाद भी गाड़ी की वैल्यू अपन कह सकते हैं कम से कम सात आठ लाख तो गिरी से गिरी हालत में रहेगी शुभम सर ने मेरे को ऑफर दे दिया कि सर तीन साल तक तो यूज करो तीन साल के बाद आपको मैं ये गाड़ी सेल कर दूंगा पांच लाख रुपए में सर ने मेरे को रिड्यूस प्राइस पे रिड्यूस प्राइस पे मेरे को ये गाड़ी खरीदने का ऑफर दे दिया मतलब इतना लुक्रेटिव ऑफर दिया है कि मैं मना ही नहीं कर सकता शायद मैं हां बोल ही दूं तो चांसेस ज्यादा है कि मैं वो गाड़ी खरीदूंगा तो वेन देर द ऑप्शन टू परचेज एट रिड्यूस प्राइस एंड इट इज सर्टेन इट इज सर्टेन ट लेसी विल अवेल द ऑप्शन लेसी जो है वो ऑप्शन को अवेल करेगा उसकी सर्टनिटी है तो भी इसको माना जाएगा फाइनेंस लीज मुझे पता है आप क्या बोलोगे आप बोलोगे सर मान लो सर आपने मना कर दिया तो शुरू में आपको लग रहा था कि आप ले लोगे, तो आपने फाइनेंस लीज मान ली मान लो तीसरे साल में आपने मना कर दिया चेंज इन क्लासिफिकेशन बेटा

जो मैंने आपको बोला सेवेंटी फाइव परसेंट तो लीज टर्म कवर्स मेजर लाइफ जैसे कि सेवेंटी फाइव परसेंट सर कैसे होगा मान लीजिए बीस साल का है मुझे कैलकुलेट करके दीजिए बीस साल का सेवेंटी फाइव परसेंट फिफ्टीन अगर मैं आपको सिक्सटीन ईयर्स के लिए लीज पर दे रहा हूं तो यह फाइनेंस लीज मानी जा सकती है फिफ्टीन ईयर्स के लिए दे रहा हूं मानी जा सकती है फोर्टीन ईयर्स पर दे रहा हूं तो मुझे बाकी कंडीशन देखनी पड़ेगी मैं कह नहीं सकता मैं कह नहीं सकता तो मोस्टली सेवेंटी फाइव परसेंट ठीक है चलिए फोर्थ कंडीशन है फोर्थ कंडीशन है स्पेशलाइज असेट अगर मैं आपके कहने पर आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको असेट बना के दे रहा हूं जॉब वर्क पे या फिर आपके हिसाब से कस्टमाइज असेट आपको बना के दे रहा हूं तो सोचो मैं अच्छा खासा खर्चा कर रहा हूं और आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से बना के दे रहा हूं और मैं जानता हूं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट पे कोई और व्यक्ति ऐसी असेट यूज करेगा ही नहीं ये असेट सिर्फ आप ही के हिसाब से बनाई गई है जिसके लिए मैं खर्चा कर रहा हूं तो लेसर क्या चाहेगा बेचारा वो बोलेगा यार मुझे पता है कि इसको यूज करने वाला सिर्फ लेसी ही है तो मैं अपनी पूरी कॉस्ट लेसी से ही रिकवर करना चाहूंगा और अगर मैं अपनी पूरी कॉस्ट तुमसे रिकवर करूंगा तो कॉस्ट को तुम्हें मुझे पे करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा टाइम अल्टीमेटली बहुत ज्यादा लगेगा इसीलिए माना जाता है कि यहां कही न कहीं ना कहीं सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो ही जाएंगे यहां डेफिनेटली स्पेशलाइज नेचर की असेट अगर लेसी को बना के दी जा रही है लीज पर तो पूरी की पूरी कॉस्ट भी मैं लेसी से रिकवर करूंगा अब लेसी पागल तो नहीं है लेसी बोलेगा सर आप मुझसे पूरी कॉस्ट रिकवर कर रहे हो तो मुझे पूरा अधिकार तो यूज करने का असेट को तो लेसी पूरा अधिकार ले लेगा मुझसे यूज करने का और लास्ट जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इनिशियल फेयर वैल्यू के बराबर हो मैं अभी इस पर बात करूंगा कि एमएलपी और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है MLP मतलब आप सिंपल समझिए पेमेंट पेमेंट हर साल के जो होते हैं उसको एमएलपी बोलते हैं हर साल के लीज पेमेंट को एमएलपी बोलते हैं अगर एमएलपी की प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल फेयर वैल्यू के बराबर हो गई तो अपन उसको बोलेंगे कि ये फाइनेंस लीज ही है इनिशियल फेयर वैल्यू के बराबर हो गई अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे होगा ध्यान से देखिएगा सबसे पहले गाइस अगर आप लिख रहे हैं तो ये जरूर लिखेगा एमएलपी में क्या क्या आता है एमएलपी में आता है सबसे पहले डीपी डीपी मतलब डाउन पेमेंट फिर आता है एनुअल लीज पेमेंट एनुअल लीज पेमेंट मतलब लेसी हर साल जो लीज पेमेंट पे करेगा एनुअली प्लस आएगा जीआरवी जीआरवी मतलब गारंटीड रेसिडल वैल्यू गारंटीड रेसिडल रे वैल्यू रेसिडल वैल्यू।, वैल्यू जो कि लेसी ने गारंटी किया है कि एंड में मैं आपको पे करूंगा अगर आप मुझे बेचना चाहोगे तो तो ये जो एमएलपी आ गई ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एमएलपी जो है ये आउटफ्लो है क्योंकि लेसी इतना पे करेगा लेसी इतना पे करेगा एक एमएलपी लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है एक एमएलपी लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है जहां लेसर बोलेगा कि मुझे तो इनफ्लो होगा मुझे तो असेट का इनफ्लो होगा तो उसको क्या क्या मिलेगा उसको डीपी मिलेगा उसको एनुअल लीज पेमेंट मिलेंगे उसको जीआरवी मिलेगा पर यहां पर ये शाणा आदमी है ये शाणा आदमी है क्योंकि लेसी ने उसको पांच लाख की गारंटी दी है पर ये आदमी जो लेसर है ना ये बोल रहा है नहीं मेरी असेट से मुझे सात आठ लाख तो मिल जाएंगे मतलब ये बंदा वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है आठ लाख रुपए उसको गारंटी कितना मिला है पांच लाख का ये बंदा बोल रहा है नहीं यार जरूरी नहीं कि मुझे पांच लाख में ही बेचनी पड़े इसको एक और कोई थर्ड पार्टी मिल गई थर्ड पार्टी कोई और व्यक्ति मिल गया उसने बोला कि लेसर जी मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि आप लीज टर्म खत्म होने के बाद लेसी को असेट मत देना मुझे दे देना मैं आपको सात लाख तक दे दूंगा तो मैंने बोला ना ये शाणा आदमी है ये बोलेगा कि भाई जो मुझे ज्यादा देगा मैं उसको बेचूंगा तो यहां पर जीआरवी इसके पॉइंट ऑफ से क्या होगी लेसी वाली और थर्ड पार्टी वाली विच एवर इज फेवरेबल या हायर तो लेसर के पॉइंट ऑफ से जो जीआरवी होगी वो विच एवर इज हायर लेगा वो अगर उसको किसी थर्ड पार्टी ने गारंटी कर लिया है तो अगर उसको किसी थर्ड पार्टी ने गारंटी कर लिया है तो गाइस जो भी बच्चे ऑनलाइन है प्लीज मुझे बताइए आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बहुत सारे नाम पहचान पहचान के दिख रहे हैं सो so, गाइस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे बताइएगा चलिए तो ये हो गया लेसी का एम आर पी एमएलपी आउटफ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से और ये हो गया लेसर का एमएलपी इनफ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से अब एक और तीसरी टर्म लिख लो यूजीआरवी यू जी आर वी क्या होता है मैंने अभी आपको बताया कि बेटा आठ लाख रुपए वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको आठ लाख रुपए तक मिल जाएंगे पर उसको पूरी गारंटी किसी ने नहीं दी उसको गारंटी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी मिली है सात लाख तक की तो जितनी गारंटी उसको नहीं मिली है उसको बोलेंगे अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू क्या बोलेंगे उसको तो अनगारंटीड रेसिडल वैल्यू क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू माइनस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू विल बी अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ये सिर्फ और सिर्फ लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आएगा ये सिर्फ और सिर्फ लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आएगा आई आए क्या मेरी बात समझ में बोलिए बेटा यस yes. तो यह लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा एक और चीज लिख लीजिए फेयर वैल्यू समटाइम्स इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ असेट। ये यह क्या होता है अगर लेसी असेट को लीज पे ना लेकर आज ही के दिन कैश में असेट खरीदेगा तो उसको कितने की पड़ेगी तो ये होता है कैश प्राइस ऑफ असेट कैश प्राइस ऑफ असेट फॉर परचेज अगर आज ही के दिन मैं असेट को खरीद लूं अगर आज ही के दिन मैं असेट को खरीद लूं तो उसको बोलते हैं जितने में मैं खरीदूंगा उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द असेट या कैश प्राइस ऑफ द असेट एक टर्म है आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ये वन टाइम खर्चे होते हैं बेटा दिस इज वन टाइम यह वन टाइम खर्चा होता है बेटा अब यह वन टाइम खर्चा क्या होता है यह आईडीसी ले भी कर सकता है लेसर भी कर सकता है मैं लेसर हूं मैं अपनी असेट लीज पर देने के लिए तुम्हें दे रहा हूं पर कुछ रिपेयरिंग करके दे रहा हूं कुछ स्टार्टिंग के कुछ डॉक्यूमेंटेशन खर्चे करके दे रहा हूं तो मैंने किया तुमने मुझसे अट ले ली फिर तुमने पेंट करवा लिया असेट पे तो तुमने ये वन टाइम खर्चा कर लिया तो अट को फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए जो तुम खर्चा करोगे उसको बोलोगे आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा किसी को कुछ पूछना है क्या ऑल राइट right. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है अब जो मैं आपको ये पॉइंट पढ़ाता था फिफ्थ वाला कि भाई जहां प्रेजेंट वैल्यू एमएलपी की अभी अपन ने एमएलपी को क्या डिफाइन किया अभी अपन ने एमएलपी को क्या डिफाइन किया कि भाई डीपी प्लस एनुअल लीज पेमेंट प्लस जीआरवी अगर इन तीनों का प्रेजेंट वैल्यू स्टार्टिंग में फेयर वैल्यू के बराबर आ गया और फेयर वैल्यू को हमने क्या बोला कैश प्राइस अट की कैश प्राइस तो सोचना मेरे भाई तू जितना पेमेंट कर रहा है लेसर को सोच ध्यान से सोच तू जितना जितना पेमेंट कर रहा है तूने इतना अच्छा खासा पेमेंट कर दिया कि आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो असेट की कैश प्राइस के बराबर तूने पूरा पे कर दिया तो एक तरीके से तू अट का पूरा दाम सामने वाले को दे रहा है तो तू तो चाहेगा ना कि तुझे सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड मिले इसीलिए इसको फाइनेंस लीज कहा जाता है आया समझ में कि नहीं तो ये पांच में से कोई भी एक एनी वन लिखा है ये पांच में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो उसको अपन बोलेंगे फाइनेंस लीज चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सर गिवन केस में यूजीआरवी वन होगा कि थ्री बेटा वन होगा बिकॉज हमने यहां पर यूजीआरवी मैंने मैंने आपको क्या बताया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला यूजीआरवी लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीआरवी भी तो किसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा फिर लेसर का ना और लेसर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है फेवरेबल फेवरेबल मतलब सात इसीलिए तो यहां पर यूजीआरवी सिर्फ वन होगा ठीक है चलिए तो ये सारे के सारे आइटम्स हमने देखे कि क्या क्या होंगे अब एक बात को ध्यान रखना जब आप फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग करते हो अपन समझ रहे फाइनेंस लीज अकाउंटिंग जब आप फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग करते हो तो दो लोग एक है लेसी तुम्हारा और एक है लेसर गोल्डन रूल लेसी को तुम हमेशा बायर मान के अकाउंटिंग करोगे तुम उसको हमेशा बायर मान के अकाउंटिंग करोगे और लेसर को तुम हमेशा सेलर मानते हुए अकाउंटिंग करोगे मतलब ऐसा मानोगे कि एक तरीके से लेसी ने असेट परचेस कर ली और लेसर ने असेट सेल कर दी तुम उस इन दोनों को बायर सेलर मान के अकाउंटिंग करोगे तो इस वजह से जब भी लेसी अकाउंटिंग करेगा तो वो बायर है तो बायर क्या करता है असेट को परचेस तो परचेस करने की एंट्री करेगा क्या एंट्री पास करेगा एंट्री करेगा असेट अकाउंट डेबिट या ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू वो मानेगा कि मैंने अट को खरीदा पेमेंट तो मैं पूरा कर नहीं रहा हूं पेमेंट तो मैं धीरे धीरे दूंगा तो वो मानेगा कि मैं एक तरीके से लोन लेके आया हूं उस लोन को अपन बोलेंगे लीज लाइबिलिटी क्या बोलेंगे लीज लाइबिलिटी तो वो असेट को रिकॉर्ड करेगा और लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा वो असेट को लीज रिकॉर्ड करेगा और वो असेट को रिकॉर्ड करेगा और लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा अब वो किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेगा किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेगा लोअर ऑफ लोअर ऑफ क्या लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी बेटा किसका एमएलपी लेंगे जिसके के बुक्स की बात चल रही है किसके बुक्स की बात चल रही है लेसी की तो लेसी तो भी लेसी का लेंगे तो दोनों में से जो कम होगा उस पर अपन असेट को और लीज़ को रिकॉर्ड करेंगे आई मेरी बात समझ में की नहीं वैसे ही अगर हम लेसर की बात करें तो बेटा लेसर दो टाइप के होते हैं एक डीलर और एक नॉन डीलर एक डीलर लेसर होता है एक नॉन डीलर लेसर होता है जो डीलर लेसर होता है उसका रोज का काम लीजिंग है लीजिंग उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है लीजिंग उसके लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसका बिजनेस ही लीजिंग का है और नॉन डीलर के लिए लीजिंग एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है नॉन डीलर के लिए लीजिंग एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है जहां तक बात करें डीलर की तो डीलर के लिए जो असेट है डीलर के लिए जो असेट है वो एक्चुअली में असेट नहीं है वो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री है क्योंकि वो तो रोज का काम है ना उसका तो लीज पर देने का तो वो अब वो क्या दे रहा है वो लीज पे क्या दे रहा है इन्वेंट्री दे रहा है आई बात समझ में कि नहीं जबकि नॉन डीलर लीज पर क्या दे रहा है असेट ही दे रहा है असेट ऑन लीज वो लीज पर असेट दे रहा है और ये इन्वेंट्री ऑन लीज ये इन्वेंट्री लीज पर दे रहा है ठीक है वो असेट नहीं दे रहा है वो इन्वेंट्री लीज पर दे रहा है और भी बहुत सारी बातें इन दोनों के बीच में आएंगी बट पहले हम लेसी की बात कर लेंगे पहले हम बात करेंगे लेसी की तो लेसी में मैंने आपको बोला कि अट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइब्रेड करेगा सर ये एंट्री कब करेंगे of course, beginning पे ऑफकोर्सिंग ऑफ लीज टर्म जब शुरुआती पीरियड है उस टाइम पे हम ये वाली एंट्री करेंगे आई मेरी बात समझ में ये था, ये वाली एंट्री करेंगे अब अगर मैं आपको बोलूं ध्यान से सुनिएगा अगर मैं आपको बोलूं एक छोटा सा एग्जाम्पल नोट करिए और ये भी एग्जाम्पल आप कंसिडर करना मास्टर कई बार ऐसा होगा कि मैं आपको बताते बताते मास्टर प्रॉब्लम सामने ही करवा दूंगा उसमें कुछ अगर मुझे याद आएगा एड ऑन करवाने के लिए अब इसमें अपन क्या बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड करिएगा लीज टर्म है आपका चार साल लीज टर्म है आपका चार साल फॉर एग्जाम्पल डीपी है आपका एक लाख डीपी है आपका एक लाख आईडीसी आप इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कर रहे हो पचास हजार की पचास हजार की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी आप बियर कर रहे हो फिर इसके बाद एनुअल लीज़ पेमेंट आप पे करोगे हर साल तीन लाख हर साल तीन लाख पे करोगे इसके बाद मान लीजिए आप जीआरवी पे करोगे लास्ट में वन फिफ्टी चार साल के बाद वन फिफ्टी का जीआरवी पे करोगे ठीक है अब यहां पर बेटा आपको चाहिए डिस्काउंटिंग रेट आपको चाहिए यहां पर डिस्काउंटिंग रेट मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना डिस्काउंटिंग रेट को वो कभी कभार एमसीक्यू के अंदर वो बोलेगा इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन लीज इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन लीज तो डिस्काउंटिंग रेट का ये नाम है ठीक है ना इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन लीज जिसको तुम एफ के अंदर आई पढ़ते हो जिसको तुम एफ के अंदर आई के नाम से जानते हो तो मान लो डिस्काउंटिंग रेट है दस परसेंट मान लो डिस्काउंटिंग रेट है दस परसेंट अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई सबसे पहले एक काम करो स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन में तुम निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी तुम निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी तो तुम बोलोगे सर एमएलपी क्या है ईयर यहां पर ईयर के हिसाब से जीरो वन टू थ्री फोर फोर ठीक है जीरो क्यों क्योंकि जीरो ईयर पे मैं डीपी पे कर रहा हूं वन लैख ये डीपी पे कर रहा हूं लीज़ पेमेंट लीज़ पेमेंट लीज़ पेमेंट लीज़ पेमेंट, पेमेंट जीआरवी, हर साल में लीज़ पेमेंट कितना पे करूंगा तीन लाख हर साल में लीज पेमेंट कितना पे करूंगा तीन लाख और लास्ट में मुझे कितना पे करना पड़ेगा जीआरवी? 150, आई मेरी बात समझ में तो ये यहां पर यहां पर इसका प्रेजेंट वैल्यू तुम निकालोगे कितना मैंने बोला था दस परसेंट दस परसेंट पर निकालोगे तो दस परसेंट पर निकालने वक्त कितना आएगा ये आप जी टी एम प्लस डेढ़ लाख एक दो तीन चार एम प्लस एमआरसी प्लस एक लाख यह आएगा इलेवन लैख्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेल्व चेक करिए आ रहा है क्या इलेवन लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेल्व सर कैसे किया हमने ये, है ना <laughs> बताऊ क्या कि कैसे किया थोड़ा सा जल्दी आपको करना पड़ेगा बेटा ये शॉर्ट ट्रिक है जल्दी करना पड़ेगा आपको तो ये आ गया इलेवन लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेल्व ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू कोई तो मुझे कंफर्म नहीं कर रहा ना लायक आ रहा है आ रहा है चलो अच्छा मैं ऊपर आपको फेयर वैल्यू देना भूल गया मान लीजिए असेट की फेयर वैल्यू है साढ़े बारह लाख मान लीजिए असेट की फेयर वैल्यू है साढ़े बारह लाख तो आपने यहां पर असेट को प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई इलेवन फिफ्टी थ्री फोर वन टू तो अब बी पॉइंट अभी स्टेप नंबर टू लिखो स्टेप नंबर टू आप असेट को कितने पर रिकॉर्ड करोगे असेट एंड लीज लाइब्रेटी शुड बी कितने पर रिकॉर्ड करोगे शुड भी अरे ऑनलाइन में भी बच्चे बोल रहे हैं सर कैसे किया चलो सुन लीजिए सुन लीजिए चलो ठीक है सर कैसे किया वैसे शॉर्ट ट्रिक जो है वो कैसे करना है ध्यान से देखिएगा कैलकुलेटर निकालिए कैलकुलेटर पे आप सबसे पहले वन लैख को मत लिखना क्योंकि वन लैख का तो वैसे भी जीरो आ रहा है वन लैख को मत लिखना आप कैलकुलेटर पे टाइप करो तीन लाख फिर उसके बाद डिवाइड का बटन दबाओ फिर उसके बाद वन पॉइंट वन करो क्योंकि दस परसेंट का डिस्काउंटिंग रेट है रेट अलग अलग हो सकता है फिर उसके बाद अगर कैलकुलेटर पे जीटी है तो बहुत जरूरी है तो मैंने क्या किया थ्री थ्री लाइक डिवाइड बाई वन पॉइंट वन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू चार बार दबाया मैंने कोई भी एम प्लस नहीं दबाया मैंने ये चार बार दबाने के बाद मेर, मेरा जो भी आएगा मैं उसको जी दबा दूंगा मैं उसको जी दबा दूंगा दबाइए करके देखिए कितना आया ये आया आपने जी टी ये जी टी दबाया तो ये आया नाइन फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन ये आया जो आपको इसको एम प्लस में डाल दो जी टी दबाने के बाद एम प्लस में डाल दो इसको पढ़ा रहे एम प्लस एक ही बार दबाना है दो बार दबाओगे तो डबल हो जाएगा वो फिर अब आपका क्या बच गया आपका लास्ट ईयर का अभी ये बचा हुआ है तो अब आप क्या करोगे कुछ मत करो पढ़ा रहे ऐसा का ऐसा ही अब आप डेढ़ लाख को टाइप करो आप डेढ़ लाख को टाइप करो कुछ मत करो कुछ मत करो डिवाइड डिवाइड मत करो डिवाइड उसके अंदर आ चुका है डिवाइड मत करो आप सिर्फ चार बार इक्वल टू वापस से करो क्योंकि मुझे उसकी चौथी वाली वैल्यू चाहिए मुझे उसकी चौथी वाली वैल्यू चाहिए कि आपने चार बार इक्वल टू जो चौथी वाली वैल्यू आई अगेन उसको एम प्लस करो मैंने चौथी वाली वैल्यू को एम प्लस कर दिया ठीक है अब एम प्लस एम प्लस हो चुका है एमआरसी करो एम प्लस एम प्लस हो चुका है एमआरसी करो कितना आया एमआरसी करने के बाद जो भी आपका आया उसमें आप शुरू की डीपी प्लस कर दो क्योंकि डीपी में तो कोई प्रेजेंट वैल्यू लगना नहीं है ठीक है तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आ जाएगा चलो टाइम वेस्ट नहीं करना आपने को चलो आ जाओ स्टेप uh, टू स्टेप टू स्टेप टू में क्या करेंगे स्टेप टू में हम बोलेंगे लीज लाइबिलिटी भाई लिखो मेरे साथ लीज लाइबिलिटी विल बी लोअर ऑफ विल बी लोअर ऑफ लोअर ऑफ क्या पहला 1153412 और दूसरा फेयर वैल्यू कितना है साढ़े बारह इसका मतलब तुम्हारी लीज लाइबिलिटी कितनी आएगी इलेवन फिफ्टी अब तुम स्टेप थ्री में एंट्री पास करोगे बट मैंने ये मास्टर प्रॉब्लम क्यों बोला किसी भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में तुम्हें आईडीसी नहीं मिलेगा मैंने आईडीसी दिया है हो सकता है तुम्हें आईडीसी देकर उलझा दे अब तुम्हें आईडीसी उन्होंने दिया है तो लेसी अपनी बुक्स में आईडीसी को में कैपिटलाइज करेगा लेसी अपनी बुक्स में अट को क्या करेगा कैपिटलाइज करेगा तो वो एंट्री के पास आईडीसी विल बी डेबिटेड टू अट आईडीसी जो होगा वो असेट में डेबिटेड हो जाएगा तो अब आप एंट्री क्या पास करोगे आप एंट्री पास करोगे असेट अकाउंट डेबिट वैसे भी लोवर कितना था 1153412 करो 1153412 प्लस 50 उसमें असेट में ये मैंने 50 जोड़ दिए अब वो आइटम टोटल कितना वो तुम जानो ठीक है टू टू लीज लाइबिलिटी 1153412 फिफ्टी इलेवन फिफ्टी थ्री फोर वू और टू बैंक क्योंकि आईडी से तो मुझे पे करना पड़ेगा ना अभी के पचास हजार टू बैंक तो आईडीसी का ट्रीटमेंट क्या होगा लेसी के लिए फाइनेंस लीज में इट विल बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ में कैपिटलाइज होगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हो सकता है तुमसे पूछा जाए तो असेट को रिकॉर्ड करेगा आ रही मेरी बात समझ में बोलिए बच्चे लोग आ रही है कि नहीं ऑल राइट right. ये देखिए मैंने सामने देखिए मेरे नोट्स में ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट मैंने डायरेक्टली इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में क्या लिखा है आईडीसी बॉर्न बाय लेसी अगर आईडीसी जो है वो लेसी बियर करेगा तो फाइनेंस लीज के अंदर आईडीसी शेल बी कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ द असेट एज लीज रिकॉर्डेड जैसे ही आप लीज को रिकॉर्ड करोगे तो वो असेट को रिकॉर्ड करेगा असेट के अंदर रिकॉर्ड करेगा ठीक है ठीक है बेटा वापस आते हैं उसने असेट रिकॉर्ड कर लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताइए सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं उसने असेट रिकॉर्ड कर लिया ये सब हो गया अब क्या होगा अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर फोर इंटरेस्ट शेड्यूल इंटरेस्ट शेड्यूल हम इंटरेस्ट शेड्यूल बनाएंगे इंटरेस्ट शेड्यूल में ईयर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट उसके बाद पेमेंट और क्लोजिंग अब ध्यान से देखिए बच्चे यहां पर बहुत बहुत ज्यादा गलती करते हैं ओपनिंग अमाउंट लिखने में ओपनिंग अमाउंट क्या आएगा एक तो जो भी आपने लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है वो आएगा हां बट उसमें से डीपी माइनस हो जाएगा क्योंकि डीपी तो आप अभी के अभी पे कर रहे हो आई मेरी बात समझ में तो एक जहां तुमने ये वाली एंट्री पास की तो दूसरी वाली एक एंट्री कौन सी पास होगी लीज लाइब्रेटी डेबिट टू बैंक वन लैक एक ये वाली एंट्री भी पास होगी डीपी को पे करने की इसीलिए ओपनिंग में हमेशा क्या आएगा ओपनिंग में हमेशा लीज लाइब्रेटी माइनस डीपी आएगा यह याद रखना ओपनिंग में हमेशा क्या आएगा लीज लाइब्रेटी माइनस डीपी आएगा हमेशा लीज लाइब्रेटी माइनस डीपी तो बस अब लिख लो पहला साल लीज लाइब्रेटी माइनस डीपी कितना है दस त्रेपन चार सौ बारह और अब तुम ब्याज लगाओ अब तुम इंटरेस्ट लगाओ कितना लगेगा दस परसेंट वन जीरो फाइव थ्री फोर वन और पेमेंट कितना किया तीन लाख ईयर के एंड में पेमेंट किया तीन लाख ईयर के एंड में तो क्लोजिंग बच गया एट फिफ्टी एट सेवन 53. फिर हमने 858, 753. तुम कैलकुलेटर भी कर सकते हो 858, 753. अब इसमें करो इन टू टेन परसेंट एट फाइव एट सेवन फाइव प्लस इक्वल टू प्लस इक्वल टू तो प्लस हो गया वो और माइनस तीन लाख माइनस तीन लाख तो कितना आया छह चवालीस सिक्स टू एट थर्ड ईयर छह चवालीस सिक्स टू एट इन टू दस परसेंट सिक्सटी फोर फोर सिक्सटी थ्री प्लस इक्वल टू प्लस इक्वल टू इंटरेस्ट को प्लस कर दिया और माइनस तीन लाख माइनस तीन लाख फोर जीरो नाइन जीरो नाइन वन चौथा लास्ट ईयर है बेटा लास्ट ईयर फोर जीरो नाइन जीरो नाइन वन रुक जाओ चौथे साल में तुम इंटरेस्ट डायरेक्ट मत निकालना क्योंकि राउंडिंग ऑफ का एरर आता है तो चौथे साल में तुम क्या करोगे बहुत ही सिंपल टेक्निक है क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा जीरो होना चाहिए क्योंकि तुम सब कुछ पे कर दोगे अब चौथे साल में तुम जाके देखो तुम्हें पे करना क्या था तीन और डेढ़ तीन और डेढ़ कितना चार लाख पचास हजार तीन और डेढ़ चार लाख पचास हजार तो तुम क्या करोगे माइनस चार लाख पचास हजार करोगे तो कितना आएगा फोर जीरो नाइन जीरो नाइन मोस्टली वैसे वैसे तो उतना ही आ रहा है बट कभी कभार ये राउंडिंग ऑफ का एरर आ जाता है बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं चार पचास अब हर साल एवरी ईयर की एंट्री क्या होगी एवरी ईयर की एंट्री लेसी के बुक्स में क्या होगी हर साल की हर साल वो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा इंटरेस्ट को बुक करेगा तो एंट्री होगी एंट्री को इंटरेस्ट मत करिएगा फाइनेंस चार्जेस करिएगा वहां पर आप फाइनेंस चार्जेस डेबिट टू लीज लाइबिलिटी आप फाइनेंस चार्जेस को लीज लाइबिलिटी में एड कर रहे हो आप फाइनेंस चार्जेस को क्या कर रहे हो लीज लाइब्रेटी में एड कर रहे हो कितना वन जीरो फाइव थ्री फोर वन वन जीरो फाइव थ्री फोर वन ठीक है और अब आप इसकी एंट्री करोगे तीन लाख की पेमेंट की तो पेमेंट की एंट्री क्या करोगे आप लीज लाइब्रेरी टू बैंक पेमेंट की एंट्री करोगे तीन लाख फिर आप तीसरी चीज फिर आप तीसरी चीज क्या करोगे डेप्रीसी बुक करोगे फिर आप तीसरी चीज डेप्रीसी बुक करोगे डेप्रीसी अकाउंट डेबिट टू असेट आप डेप्रीशन कितना बुक करोगे बताइए आपने असेट को कितने पे रिकॉर्ड किया था आई थिंक इट वॉज इलेवन फिफ्टी थ्री प्लस फिफ्टी मतलब ट्वेल्व जीरो थ्री असेट थी आपकी ट्वेल्व जीरो थ्री चार सौ बारह या, याद है कि नहीं ये आपकी असेट थी डिवाइडेड बाय आप असेट को कितने साल यूज कर रहे हो चार साल के लिए यूज कर रहे हो तो डिवाइड बाय चार साल करके थ्री लैख थ्री जीरो जीरो एट फाइव थ्री आप करोगे थ्री जीरो जीरो एट फाइव थ्री अब च, एक आध बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया था कि उन्होंने कहा था कि LESI. LESI और, uh, शो द प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट एंड पी एंडल ऑफ लेसी लेसी के पी एंडल और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन शो करिए फर्स्ट ईयर के एंड में तो फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस शीट में क्या प्रेजेंटेशन जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस शीट में क्या प्रेजेंटेशन जाएगा तो प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस कितना है आठ अट्ठावन सात सौ तिरपन है कि नहीं एट फिफ्टी थ्री सेवन फिफ्टी थ्री ये उसकी लाइबिलिटी है, है कि नहीं है बट 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 ये लाइबिलिटी टोटल है 853 क्या था सेवन अच्छा 858 फिफ्टी एट सेवन इसके आपको दो हिस्से करने पड़ेंगे एक करंट मेच्योरिटी एक इसका आपको करना पड़ेगा करंट मेच्योरिटी अगर उसने आपसे बैलेंस शीट पूछा है तो आपको उसका करंट मेच्योरिटी दिखाना पड़ेगा और बाकी का अदर आइटम जो लॉन्ग टर्म होगा तो करंट मेच्योरिटी कितना होगा सर कुछ नहीं टेंशन ही नहीं है अगला पेमेंट कितना करने वाले हो तुम इसका वन ईयर वन का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो वन पॉइंट वन का जल्दी निकालो तीन लाख का डिवाइड बाय करंट मेच्योरिटी थ्री लाख डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन 1. 1, कितना टू सेवेंटी टू सेवन ट्वेंटी सेवन बाकी का बैलेंसिंग फिगर बना दो इसमें आ जाओ बाकी का बैलेंसिंग फिगर इसमें आ जाओ कितना है एट फिफ्टी एट हाँ? जीरो टू फाइव तो बाकी का आप इसमें डाल दोगे अब आपसे अगर वो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन पूछेगा तो एक तो जाएगा आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में अदर सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी में मैं आपको यहां पर एक, एक मिनट आप देख लीजिए ध्यान से शेड्यूल थ्री में वो कहां पर आता है शेड्यूल थ्री में ध्यान से देखेगा वो कहां पर आता है ये देखिए यहां पर ध्यान से देखिए एक बॉन्ड डिवेंचर आते हैं एक टर्म लोन आते हैं एक डेफर्ड पेमेंट लाइब्रेटी डिपोजिट इसी तरीके से यहां पर अदर लोन एंड लॉन्ग टर्म ये देखिए लॉन्ग टर्म ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन दिख रहा है आपको तो वो किस में जा रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग में और जो शॉर्ट टर्म वाला आएगा शॉर्ट टर्म वाला देखिए क्या आ रहा है अदर करंट लाइब्रिटी में करंट मेच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन तो आप उसको कहां कहां दिखाओगे वेट 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 कहां गया ये तो नॉन करंट लाइब्रेटी में आप उसको दिखाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर लॉन्ग टर्म बोरइंग के अंदर आप दिखाओगे उसको लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी कितना था लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी 586025 और वो आपसे करंट लाइब्रेट में पूछेगा तो ओसीएल अदर करंट लाइब्रेटी अदर करंट लाइब्रेटी में करंट मेच्योरिटी 272 सेवन टू सेवन आपको इस तरीके से वो प्रेजेंटेशन मांग सकता है इस तरीके से वो आपका प्रेजेंटेशन मांग सकता है आपसे दूसरा एसपीएल का प्रेजेंटेशन आपसे मांगेगा एसपीएल का प्रेजेंटेशन आपसे मांगेगा तो एसपीएल में कहा जाएगा एसपीएल में एक्सपेंडिचर के अंदर पहला आपका जाएगा फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट और दूसरा आपका जाएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन बताइए कितना कितना था फाइनेंस कॉस्ट पहले साल का कितना था वन जीरो फाइव थ्री फोर वन और डेप्रिसिएशन कितना था थ्री लैख एट फाइव थ्री वो आपसे ये प्रेजेंटेशन मांगेगा बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी बताइए में आ रहा है कि नहीं ऑनलाइन में चैट में बताइए तो गाइस इस तरीके से आपका फाइनेंस लीज का प्रेजेंटेशन होता है आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा अब कभी कभार कभी कभार वो आपकी बैंड बजाने के लिए कुछ ऐसा देगा आपको अभी आप देखिएगा ध्यान से कभी कभार आपकी बैंड बजाने के लिए आपको बोलेगा लीस टर्म फाइव इयर्स। एनुअल लीज पेमेंट एनुअल लीज पेमेंट चार लाख इन एडवांस इन एडवांस मतलब हर साल के बिगिनिंग में आपको चार चार लाख देने पड़ेंगे अब ईयर एंड में चार लाख ,00 नहीं अब आपको चार चार लाख ईयर के बिगिनिंग बिगिनिंग में देने पड़ेंगे वो ऐसा बोलेगा तो इसको आप ये समझो कि पहला वाराई ठीक है तो सबसे पहले तो अगर हम इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम एल पी निकालें जी आर वी आर वी कुछ भी नहीं है जी आर वी आर वी आर वी कुछ भी नहीं है तो कैसे निकलेगा वन टू थ्री फोर फाइव फाइव है ना हाँ, चार लाख चार लाख चार लाख चार लाख चार लाख बट बेटा यहां पर जो पहला वाला चार लाख है वो इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वन होगा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं और जो दूसरा वाला चार लाख है वो मल्टीप्लाई बाय नाइन जीरो पॉइंट नाइन जीरो समझा कि नहीं समझा मतलब सेकेंड ईयर में सिर्फ एक साल का फैक्टर लग रहा है क्योंकि वो ईयर का बिगनिंग है वो सेकेंड ईयर का बिगनिंग है वो चलिए मुझे करके बताइए क्या आंसर आ रहा है मुझे करके बताइए क्या आंसर आ रहा है चार लाख डिवाइड बाय वन पॉइंट वन एक दो तीन चार जी टी प्लस चार लाख आ रहा है सिक्सटीन सिक्सटी सेवन नाइन फोर्टी सिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है मान लीजिए फेयर वैल्यू सत्रह लाख है कोई बात नहीं मान लीजिए फेयर वैल्यू सत्रह लाख है कोई बात नहीं छोड़ दो तो विच एवर इज लोवर तो सिक्सटीन सिक्सटी सेवन हो रहा है अब यहां पर इंटरेस्ट शेड्यूल कैसे बनाओगे इंटरेस्ट शेड्यूल ओपनिंग इंटरेस्ट शेड्यूल कैसे बनाओगे अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको इंट्री शेड्यूल कैसे बनवाया था क्या बोला था मैंने आपको यहां पर लीज लाइबिलिटी में से क्या माइनस करोगे डीपी तो यहां पर बताओ तुम्हारी कोई डीपी है क्या यहां पर तुम्हारी कोई डीपी है मैंने बोला ना पहले वाले चार लाख को डीपी की तरह मानो पहले वाले चार लाख को क्या मानना पड़ेगा डीपी की तरह बस ये तुम्हारी बैंड बजा सकता है वहां पर वो कि वो डीपी ना देके भी वो डीपी हो गया एक तरीके से तो ईयर वन ओपनिंग आ गया आपका सोलह सिक्सटी सेवन नाइन फोर्टी सिक्स अब आप इसको लिखोगे कैसे ये तो आपकी लीज लाइब्रिटी थी ये आपकी लीज लाइब्रिटी थी तो एक काम करो इसको तुम जब एडवांस में तुम पेमेंट कर रहे हो तो मैं इसमें या तो सोला सिक्सटी सेवन में से पहला वाला चार लाख माइनस ही कर दू या तो मैं ये करूं कि ओपनिंग ये है अब मैं पहले पेमेंट करूंगा क्योंकि हर साल के बिगनिंग में पेमेंट है हर साल के बिगनिंग में पेमेंट है तो पेमेंट पहले होगा चार लाख और फिर इंटरेस्ट निकलेगा तो इंटरेस्ट निकलेगा इसमें से माइनस करके करो निकालो इंटरेस्ट निकलेगा बैलेंसिंग फिगर पे ट्वेल्व सिक्स ट्वेल्व सिक्सटी सेवन नाइन फोर्टी सिक्स पे दस परसेंट कितना वन टू सिक्स सेवन नाइन फाइव और ये एड ये लेस होगा तो ये एड होगा तो ये क्लोजिंग आ गया ये क्लोजिंग आ, आ गया करो तेरह चौरानवे सात सौ इकतालीस तेरह चौरानवे सात सौ इकतालीस आ रहा है क्या आ रहा है सेकेंड ईयर में क्या करोगे तेरह चौरानवे सात सौ इकतालीस पहले पेमेंट करेंगे क्योंकि इस बार एडवांस है बस ये ध्यान रखना है दोनों एग्जाम्पल्स में पिछले एग्जाम्पल में पेमेंट ईयर एंड पे था पर इस एग्जाम्पल में पेमेंट बिगिनिंग में है तो पहले पेमेंट करना पड़ेगा मुझे इसीलिए मैंने फॉर्मेट चेंज करवा दिया इंटरेस्ट शेड्यूल का यह ध्यान रखिएगा तो इंटरेस्ट शेड्यूल के दो अलग अलग फॉर्मेट हैं आप लोग को क्लिक कर रहा है जो सामने बैठे हो क्लिक कर रहा है कि नहीं पिछले वाले फॉर्मेट में क्या था पेमेंट लास्ट में और इस वाले फॉर्मेट में क्या है पेमेंट पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको तो पेमेंट इन एडवांस चैट पे बताइए आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स चलो निकालो तेरा चौरानवे सात सौ इकतालीस में से गए चार लाख नाइन पे निकालो जो भी आ रहा है उस पर इंटरेस्ट निकालो अब इनटू टेन परसेंट कितना नाइनटी नाइन फोर सेवेंटी फोर उस पर इंटरेस्ट निकलेगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये आ गया दस चौरानवे टू एन फाइव एंड सो ऑन मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं प्लीज है ना कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से दस चौरानवे एंड ऑन हो जाएगा गाइस इस चीज को ध्यान रखना इंस्टीट्यूट तुम्हारी बैंड बजा सकता है एडवांस में देखे पेमेंट अगर वो बोलेगा एडवांस में करना है तो पहले वाले पेमेंट को डीपी मान लो और इंटरेस्ट निकालने के लिए हर बार पहले पेमेंट माइनस करो फिर इंटरेस्ट निकालो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो भी मैं एग्जांपल्स यहां पर लिखवाऊंगा देम एज अ मास्टर क्योंकि वो उसमें आपको कुछ नया ही मिलने को दिखेगा चलिए तो ये हो गई आपके लेसी की अकाउंटिंग ये हो गई आपके लेसी की अकाउंटिंग अब अब आते हैं आपके लेसर की अकाउंटिंग अब आ गई आपके लेसर की अकाउंटिंग अब है आपके लेसर की अकाउंटिंग लेसर मैंने आपको कहा था कि लेसर को आप डीम्ड बायर मानोगे लेसर को आप डीम्ड बायर मानोगे ओ सॉरी सेलर मानोगे डीम्ड सेलर मानोगे मैंने आपसे कहा कि लेसर को आप डीम्ड सेलर मानोगे ठीक है अब यहां पर हम पहला लेसर कौन सा मान के चल रहे हैं नॉन डीलर बताओ नॉन डीलर के बुक्स में वो जो आइटम है जो असेट है जो वो दे रहा है वो क्या दिख रहा होगा असेट ही दिख रहा होगा वो इन्वेंट्री असेट मतलब वो पीपीई दिख रहा होगा पीपीई दिख रहा होगा ठीक है अब ये बेच रहा है ठीक है ना ये बेच रहा है तो ये क्या करेगा लेसर की बुक्स में अच्छा लेसी की बुक्स में हमने क्या रिकॉर्ड किया था लीज लाइबिलिटी इसका जस्ट उल्टा नाम लीज रिसीवेबल क्या नाम तो लेसर क्या रिकॉर्ड करेगा लीज रिसीवेबल एट एन आई एल लीज रिसीवेबल को वो रिकॉर्ड करेगा एनआईएल एनआईएल का फुल फॉर्म नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज रिकॉर्ड किस पे करेगा एन आई एल नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज एनआईएल नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज ठीक है एनआईएल क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी आई एल है जी आई एल का फुल फॉर्म ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज जी आई एल को मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज जी आई एल मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज सर जी आई एल के अंदर क्या क्या आता है एमएलपी लेसर वाला प्लस यूजीआरवी थोड़ा ध्यान से सोचो हमने लेसर वाले एमएलपी में क्या क्या लिखा था हमने लेसर वाले एम में क्या क्या लिखा था अगर मुझे इन दोनों को मिलाकर वापस से लिखना है तो सबसे पहले क्या डीपी प्लस एनुअल लीज पेमेंट प्लस जीआरवी वो सात लाख वाली ज्यादा वाली विच एवर इज फेवरेबल वाली और प्लस यूजीआरवी भी आ गया मतलब वो एक लाख एक लाख वाली ये मिलकर हो जाएगा जी ये मिलकर हो जाएगा जी ये मिलकर हो जाएगा जी आई एल बोलो बेटा क्लियर क्या ही ये अभी प्रेजेंट वैल्यू पर है बिल्कुल नहीं क्योंकि यूजीआर तो सबसे लास्ट में होगी जी सबसे लास्ट में होगी एएलपी तो हर साल होगी तो ये प्रेजेंट वैल्यू पर नहीं है जैसे ही तुम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा एन आई एल क्या मिल जाएगा एन आई एल और प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पर निकालोगे आई आर आई पर आई आर आई का फुल फॉर्म इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज तुम जी आई एल को प्रेजेंट वैल्यू करोगे जी आई एल का प्रेजेंट वैल्यू आएगा तुम्हारे एन आई एल जी आई एल का प्रेजेंट वैल्यू एन आई एल क्लियर हुआ सबको आइए निकालिए सामने देखिए फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन कितना है पंद्रह लाख लीज रेंट हर साल कितना है पांच पचास और जीआरवी कितना है एक लाख यूजीआरवी कितना है पचास हजार यूजीआरवी कितना है पचास हजार अगर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करें अगर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर सिक्स है मास्टर प्रॉब्लम का तो क्या क्या मिल गया बेटा मुझे डीपी डीपी है क्या कुछ नहीं डीपी नहीं है एनुअल लीज रेंट एनुअल लीज पेमेंट 550 लीज टर्म थ्री इयर्स ठीक है जीआरवी आर वी वन लैख यू जी आर वी फिफ्टी थाउजेंड तो टोटल मिला के क्या आएगा जी ये क्या हो जाएगा जी कितना है ये तीन साल का है ना नहीं 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 ये तीन साल का है पांच पचास पांच पचास पांच पचास, पांच पचास तीन साल का होगा ना बेटा हाँ प्लस एक लाख प्लस पचास हजार टोटल मिला के जीआईएल कितना हो गया अट्ठारह लाख टोटल मिला के जीआईएल कितना हो गया एटीन लाख ठीक है डिस्काउंटिंग कितना है डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग टेन परसेंट अब मेरे साथ डालो केस वन मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करो केस वन लिखो नॉन डीलर ये नॉन डीलर लेसर है मान लो केस वन मान लो ये नॉन डीलर है ठीक है और उसकी बुक्स में ये असेट दिख रही है बुक वैल्यू असेट दिख रही है तेरा लाख अस्सी हजार की बुक वैल्यू ऑफ असेट असेट की बुक वैल्यू दिख रही है तेरह लाख अस्सी हजार की ये नॉन डीलर है तो ये क्या करेगा ये लीज रिसीवेबल को रिकॉर्ड करेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GIL पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GIL पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GIL पर मैं एक चीज सबको बताना चाहूंगा ऑनलाइन में देखिए ये रैपिड रिवीज़न है यहाँ बेटा मुझे कोर्स बहुत अच्छा खासा आपको करवाना है और आप उसी उम्मीदों से यहाँ पर ये लेक्चर देख रहे हो तो ये बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा स्पीड को मैच ना कर पाए तो अगर आप ऐसा लगता है तो आप पीछे लेक्चर रिवाइंड करके आराम से देख लीजिएगा आप रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा हो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक पॉइंट में अटक गए तो आप वहाँ पर लेक्चर को पॉज कर दीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा बिकॉज मेरे लिए बहुत सारा लिमिटेशन आ जाएगा क्योंकि मुझे बहुत सारा कॉन्टेंट आपको देना है किसकी? नहीं असेट फेयर वैल्यू पे कैसे होगी बेटा उसकी बुक वैल्यू पे होगी ना उसके बुक्स में। मैंने केस वन करवाया मुझ पर भरोसा रखो मैंने नहीं बनाया वो टेंशन मत करो पहले फेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल। अब कैसे निकालेंगे वन टू थ्री पहले साल पांच पचास पांच पचास पांच पचास, पांच पचास और तीसरे साल डेढ़ और दोनों को प्लस कर दूं क्या ठीक है तीसरे साल में जीआरवी और यूजीआरवी सबको ले लिया ठीक है इन सबका प्रेजेंट वैल्यू एट टेन परसेंट करिए फोर्टीन लैख फोर सिक्सटी सिक्स फोर्टीन लैख एटी थाउजेंड फोर सिक्सटी सिक्स ये हो जाएगा तुम्हारा लीज रिसीवेबल यह हो जाएगा तुम्हारा लीज रिसीवेबल एक बार देखिए सबका आया कि नहीं आया चलिए ओके okay. अब क्या करेंगे अब हम एंट्री पास करेंगे लेसर जो होगा एंट्री पास करेगा बिगनिंग में लीज़ रिसीवेबल डेबिट फोर्टीन एटी फोर सिक्सटी सिक्स फोर्टीन एटी फोर सिक्सटी सिक्स टू असेट असेट उसकी बुक्स में कितने की दिख रही थी तेरासी तो उसको गेन हो गया गेन चला गया उसके पीएंडल में करो वन जीरो जीरो फोर डबल सिक्स के पी एंडल में चला गया बेटा क्लियर हुआ हुआ सबको समझ में आया अब वो क्या करेगा अब वो इंटरेस्ट निकालेगा वही फाइनेंस इनकम क्या निकालेंगे अपन फाइनेंस इनकम जिस तरीके से निकालते हैं वैसा का वैसा मैं सिर्फ पहला साल बता देता हूं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जैसे मैंने उसमें बताया था मैं वापस से इसमें बोलूंगा क्या करोगे यहां पर कौन सा अमाउंट आना चाहिए लीज रिसीवेबल माइनस डीपी करके अरे वहां भी तो था ना लीज लाइब्रिटी माइनस डीपी तो यहां लीज रिसीवेबल माइनस डीपी करके हाँ तो बोलो आ, पहला साल पर यहां पर डीपी है ही नहीं वन फोर एट जीरो फोर डबल सिक्स अच्छा अब इंटरेस्ट कितना लगेगा वन फोर एट जीरो फोर सेवन ठीक है ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट अच्छा पेमेंट पेमेंट हमें मिलेगा पेमेंट कितना मिलेगा पांच लाख पचास हजार पेमेंट हमें मिलेगा पांच लाख पचास हजार और क्लोजिंग क्लोजिंग कितना आएगा वन जीरो फाइव वन थ्री तो लेसर क्या एंट्री पास करेगा फर्स्ट ईयर के एंड में लेसर क्या एंट्री पास करेगा लेसर एंट्री पास करेगा लीज रिसीवेबल उसको इनकम हो रही है बेटा इनकम उसको इनकम हो रही है लीज रिसीवेबल टू फाइनेंस इनकम वन फोर एट जीरो फोर सेवन वन फोर एट जीरो फोर सेवन वन फोर एट जीरो फोर सेवन और क्या करेगा सर ये डेपरेशन लगाएगा नहीं ये तो सेलर है ये तो सेलर है अच्छा इसको पेमेंट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल कितना पांच पचास दैट्स इट ये हो गई तुम्हारे नॉन डीलर लेसर की अकाउंटिंग यह हो गई तुम्हारे नॉन डीलर लेसर की अकाउंटिंग यहीं पर आगे बढ़ रहा हूं केस टू केस टू है तुम्हारा डीलर देखो जी ऐसा है कि एग्जाम में सिर्फ आज तक एक ही बार आया है डीलर का हमेशा नॉन डीलर का आता है जब भी आता है मोस्टली वो तो लेसी का पूछते हैं पर डीलर का एक ही बार आया है और डीलर की अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है डीलर मतलब कौन जिसका लीजिंग एक धंधा है लीजिंग एक बिजनेस है जिसके लिए जो असेट दे रहा है वो इज इक्वल टू वो इन्वेंट्री है इसीलिए मैंने अपने मास्टर प्रॉब्लम में बुक वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री लिख के रखा है मेरा जो मास्टर प्रॉब्लम है वो एक्चुअली में डीलर लेसर के लिए है ये एक्चुअली क्वेश्चन डीलर लेसर के पर मैंने आपको क्या किया मैंने इसी क्वेश्चन में आपको नॉन डीलर का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया अब मैं आपको डीलर का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं चलिए करवाऊं पर उससे पहले उससे पहले दो मिनट आपसे लेसर के केस में ना हमेशा वो आपसे एक और चीज पूछेगा यूएफ फाइनेंस इनकम क्या पूछेगा आपसे अनर्ड फाइनेंस इनकम सर ये क्या होता है कुछ नहीं है लेसर पूरे के पूरे तीन साल में हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग पूरे तीन साल में कितना फाइनेंस इनकम ओवरऑल कमाने वाला है फाइनेंस इनकम इसका फॉर्मूला होता है जी आई एल माइनस एनआईएल इसका फॉर्मूला होता है जी आई एल माइनस एनआईएल और सही भी तो है ना पूरे तीन साल में उसको टोटल कितना मिलने वाला है अठारह लाख पूरे तीन साल में उसको टोटल मिला के अट्ठारह लाख मिलने वाला है आज की प्रेजेंट वैल्यू पे इस अठारह लाख की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है हमने निकाली थी चौदह अस्सी फोर सिक्स तो बस बीच का तो ब्याज हुआ ना तो निकालो बीच का ब्याज कितना आया अठारह लाख माइनस चौदह अस्सी फोर सिक्सटी सिक्स बीच का ब्याज कितना आया थ्री वन नाइन फाइव थ्री फोर इसको बोलते हैं यू एफ आई अनाड फाइनेंस इनकम बोलेगे अनकम अब मुझे बताइए पहले साल आपके फाइनेंस इनकम कितनी निकाली थी अपन ने फर्स्ट ईयर आपने फाइनेंस ये, ये ये क्या है थ्री वन नाइन क्या है टोटल तीन साल का पहले साल कितना निकाला था माइनस करो माइनस करो तो बताओ फर्स्ट ईयर के एंड में आपका यूएफआई कितना आ जाएगा वन सेवन वन बाकी का यूएफआई आ जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में जो कि डिस्क्लोज करना पड़ता है जो कि डिस्क्लोज करना पड़ता है तो यूएफआई हर साल के एंड में निकलता है UFI हर साल के एंड में बाकी का बचा हुआ निकलता है ये 171 487 जो है वो सेकेंड और थर्ड ईयर की इनकम होने वाली है जो हम यहां पर डिस्क्लोज करेंगे चलिए आगे बढ़ू अब मैं बात करूंगा डीलर की बेटा डीलर डीलर क्या करने वाला है डीलर की बुक्स में असेट क्या है इन्वेंट्री तो एंट्री चेंज हो जाएगी डीलर के बुक्स में असेट की एंट्री ये लीज की एंट्री चेंज हो जाएगी क्या क्या होगा लिखिए लिखते जाइए लीज रिसीवेबल विल बी सेम दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी आई एल वही होगा सेकेंड लेसर शेल रिकॉर्ड सेल अकाउंट लेसर सेल की एंट्री पास करेगा क्योंकि लेसर एक डीलर है डीलर तो लेसर सेल रिकॉर्ड क्या सेल अकाउंट एट लोअर ऑफ एट लोअर ऑफ लोअर ऑफ पहला फेयर वैल्यू ऑफ असेट दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी सर ये तो लेसी वाला है हा वही जो हमने लेसी में रटा था ये सेल के लिए यहां पर वही आएगा बताइए इस क्वेश्चन में मैं आपको दे रहा हूं असेट की फेयर वैल्यू पंद्रह लाख इस क्वेश्चन में मैं असेट की आपको फेयर वैल्यू दे रहा हूं पंद्रह लाख लिखिए बगल में और आप चाहो तो ऊपर के क्वेश्चन में भी लिख देना ऊपर के क्वेश्चन में यहां पर फेयर वैल्यू पंद्रह लाख पंद्रह लाख चलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि असेट का फेयर वैल्यू कितना है पंद्रह लाख बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी तो करना सर एमएलपी क्या होता है पांच पचास पांच पचास पांच पचास बेटा एमएलपी में और क्या आता है डीपी है ही नहीं एनुअल लीज पेमेंट है तीसरा जीआरवी जी मतलब जीआरवी कितना था जीआरवी आरवी एक, एक लाख इस बार बस यूजीआरवी नहीं आएगा एमएलपी में यूजीआर भी नहीं आता समझ गए निकालो इसकी प्रेजेंट वैल्यू टेन परसेंट पर हा लेसर के बुक्स में देख रहे हैं अरे यूजीआर भी लीज रिसीवेबल में आ गया ना लीज रिसीवेबल में यूजीआर भी गया। जब वो सेल की एंट्री पास करेगा सेल अकाउंट में वो यूजीआर भी नहीं लेगा वो बोल रहा है मैं आज ही सेल कर रहा हूं तो आज के हिसाब से मेरा कमिटमेंट मुझे इतना मिलने वाला है निकालिए आ रहा है फोर्टीन फोर्टी टू नाइन हंड्रेड फोर्टीन फोर्टी टू नाइन हंड्रेड सबको आया समझ में क्या ये हमने सेल बुक किया ये सेल बुक करेंगे अरे समझा क्या अब देखो एंट्री क्या होगी डीलर लेसर की एंट्री आइए सब लोग लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना बेटा सेम मैंने लिखा है सेम बुक सेम वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल आई डोंट नो कितना दम फोर्टीन एटी फोर सिक्सटी सिक्स डेबिट हो गया इस बार लेसर कौन है डीलर की नॉन डीलर डीलर मतलब सेलर तो वो सेल बुक करेगा टू सेल कितने पे बुक करेगा सेल जगह छोड़ दीजिएगा मैंने बीच में जगह छोड़ी है टू सेल सेल कितने पे बुक करेगा विच एवर इज लोअर चौदह बयालीस नौ सौ अच्छा ये डीलर है ना तो इसकी बुक्स में क्या दिख रहा होगा अभी तक इसकी बुक्स में असेट क्या दिख रही होगी इन्वेंट्री तो टू इन्वेंट्री टू इन्वेंट्री इसकी बुक्स में इन्वेंट्री कितने की दिख रही थी तेरा सी ये मेरा फिगर नहीं है ये मैंने एक एग्जांपल में दे रखा था याद है बुक वैल्यू अब निकालिए डिफरेंस अब निकालिए डिफरेंस थर्टीन फोर्टी टू फोर थर्टी इसको वो बोलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सीओजीएस सर ये कहां से आया बेटा वो सेलर है अगर वो सेल बुक कर रहा है तो मैचिंग प्रिंसिपल में वो सीओजीएस भी तो बुक करेगा ना तभी तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा आया समझ में कि नहीं तो आपसे एम क्यू क्या आएगा एमसीक्यू में वो बोलेगा कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन आउटराइट सेल क्या बोला मैंने वो बोलेगा कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन आउटराइट सेल आउटराइट सेल मतलब डीलर के केस में जो उसको इमीडिएट प्रॉफिट हो रहा है आउटराइट सेल पे दैट विल बी सीओजीएस और सेल का डिफरेंस क्योंकि दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे इमेजिन करो सीओजीएस भी ट्रेडिंग में दिखता है दिखता है कि नहीं दिखता है कैसे दिखता है कायदे से ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग दिखता है ना तो हमने तो डायरेक्टली सीओजीएस लिखा है और सेल भी आपका ट्रेडिंग में लिखता है तो निकालिए प्रॉफिट ऑन आउटराइट सेल कितना होगा सेल माइनस सीओजीएस बोलो वन डबल जीरो हो जाएगा प्रॉफिट ऑन आउटराइट सेल बोलो भाई समझ में आया दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन आउट राइड सेल ये आपको एंट्री समझनी है डीलर के केस में बाकी सब सेम है बाकी सब सेम है अच्छा क्या सेम नहीं है आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट सेम नहीं है पढ़ो क्या हैडिंग है आई डी सी बॉन बाय ले सर पहला कौन है कहां लेके जाएगा उसको पेंडल क्योंकि वो उसका रोज का खर्चा है अरे डीलर डीलर है ना डीलर उसकी तो दुकान चल रही है तो उसका रोज का खर्चा है तो आईडीसी को वो कहां ले जाएगा और अगर नॉन डीलर होगा तो फाइनेंस लीज में क्या करेगा आईडीसी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम जीआईएल से डिडक्ट कर लेगा बोलो बेटा क्लियर तो इस तरीके से आपको मैंने फाइनेंस लीज में लेस डीलर और नॉन डीलर बताया कोई डाउट बोलो बेटा कोई डाउट नहीं मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी आई आर आई इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी जिसको डिस्काउंटिंग रेट डिस्काउंटिंग रेट बोलते हो आप इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन लीज अब वो आपसे इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन लीज का क्वेश्चन पूछने वाला है इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन लीज पूछेगा कि निकाल के दो तो पहले तो समझो कि वो क्या होता है मैं थोड़ा सा अज्यूम करके चल रहा हूं कि जितने भी बच्चे शायद उन्होंने एफ पढ़ा होगा क्योंकि एफ से थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा आपने एफ के अंदर आई पढ़ा है आई क्या होता था एक ऐसा रेट जिस रेट पर एनपीवी जीरो हो जाए शायद ऐसा कुछ पढ़ा था तुमने एनपीवी जीरो हो जाए कुछ शक्लें दिख रही हैं जो एक ऐसा रेट जिस रेट पर एनपीवी जीरो हो जाए एनपीवी क्या होती थी नहीं नहीं एनपी क्या फॉर्मूला क्या था एनपीवी का आउटफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो से माइनस करते थे छोड़ो चेहरे दिख गए हैं मैं आई आर आई ही समझा लेता हूं छोड़ो वॉट इज आई आर आई आई आर आई मतलब एक ऐसा रेट एक ऐसा रेट एट वेच एट एटवेज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी आई एल बेटा जी आई एल मतलब कह सकता हूं एमएलपी प्लस यूजीआरवी बोलो इज इक्वल टू फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आई आर आई मैंने क्या बोला रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी आई एल इज इक्वल टू फेयर वैल्यू प्लस आई डी सी फेयर वैल्यू प्लस आई डी सी चलिए देखते हैं ये लीजिए फेयर वैल्यू बारह लाख आई डी सी दो लाख एनुअल लीज़ पेमेंट चार लाख जीआरवी दो लाख यूजीआरवी एक लाख डीपी जीरो टर्म चार साल वो आपको बोलेगा कैलकुलेट आई आर आई क्या बोलेगा कैलकुलेट आई आर आई रेट निकालो अब वो बोलेगा रेट निकाल के दो रेट का मतलब रेट ये रेट का क्या इंटरप्रिटेशन है क्या बोला है ऐसा रेट जिस रेट पर जी आई एल की प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर हो जाए फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी के बराबर तो चलिए सॉल्यूशन कैसे अपन करेंगे अपन बोलेंगे कि भाई आपका फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी कितना है सोलह लाख देखो ध्यान से है कि नहीं मुझे बताते भी जाओ कि मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं सोलह लाख है कि नहीं मुझे बताओ जीआईएल कितना है अच्छा सॉरी कभी मैंने बोला मुझे बताते जाओ हां फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी कितना है चौदह लाख हाँ अब मुझे बताओ जीआईएल कितना है कितना है मुझे बताओ चार चौके सोला सोलह प्लस तीन उन्नीस लाख है ना नहीं नाइनटीन लाख हुआ ना है सबको आ गया अरे भाई GIL मतलब एमएलपी प्लस यूजीआरवी तो ये उन्नीस लाख एक ऐसा रेट जिस रेट पर उन्नीस लाख की प्रेजेंट वैल्यू चौदह लाख पर आ जाए कुछ समझे अब समझे एक ऐसा रेट जिस रेट पर उन्नीस लाख की प्रेजेंट वैल्यू चौदह लाख पर आ जाए इसको और ऐसा करके लिखो ईयर वन टू थ्री फोर ईयर वन टू थ्री फोर GIL क्या क्या है चार 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 और आखिरी के साल में चार प्लस तीन सात वॉट ठीक है एक ऐसा रेट एक ऐसा रेट जिस रेट पर इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर आ जाए चौदह लाख क्या करें कौन सा रेट लें ट्रायल एंड एरर सुना है कभी ये नाम ट्रायल एंड एरर सुना है कभी नाम पर एग्जाम में गलती मत करना दस परसेंट करके पहले कैलकुलेटर पे दस परसेंट से निकाल के देखना कि चौदह के आसपास मंडरा भी रहा है कि नहीं वो तो पहले कैलकुलेटर पे शॉर्ट ट्रिक करके देखो कि दस परसेंट पर वो उसके आसपास आ रहा है तो लिख लो करो दस परसेंट पर चार लाख डिवाइड बाय वन पॉइंट वन एक दो तीन चार जी और तीन लाख एक दो तीन चार यार है, हाँ यार, आ तो रहा है चौदह लाख बहत्तर हजार हां यार तो और आए तो चलो पहला रेट ले, ले लेते हैं जिसपे आ गया चौदह बहत्तर आठ सौ पचास आपको ऐसा इमेजिन करना है कि पहला जो भी रेट लो वो तुम्हारे चौदह के आसपास आना चाहिए अरे समझे क्या चलो दूसरा कौन सा लेंगे अगर रेट घटाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी इनवर्स रिलेशनशिप होता है रेट घटाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी एक सेकेंड मुझे वैल्यू कितनी चाहिए और है कितनी चौदह बहत्तर तो चौदह बहत्तर से मुझे मुझे वैल्यू और नीचे करनी है तो रेट दस का बारह परसेंट ले लेते चलो दस का बारह परसेंट ले, ले लेते हैं फोर्टीन लाख फाइव थाउजेंड फाइव फाइव चेक करो यही आ रहा है क्या फोर्टीन लैख फाइव थाउजेंड फाइव फाइव आया क्या अब वो तुम्हें जो एफ एम में फॉर्मूला सिखाया गया है तो ठीक है नहीं तो मैं बता देता हूं कि कैसे करते हैं भाई वो मैं फॉर्मूले के हिसाब से नहीं चलता हूं मैं हमेशा लोअर रेट को बेस मानता हूं मैं लोअर रेट को बेस मानूंगा मेरा लोअर रेट क्या है दस परसेंट मेरा लोअर रेट को मैं बेस मानूंगा दस परसेंट प्लस प्लस का साइन क्योंकि मुझे पता है कि मेरा आई आर आई किसी भी हाल में दस से ऊपर ही है जिनको एफ एम वाले फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है कंफर्टेबल है वो वो ही लगाइएगा मेरा वाला मत सोचिएगा जिनको एफ एम वाले फॉर्मूले से मतलब नहीं है जिन्होंने एफ एम पढ़ाई नहीं है ग्रुप वन दे रहे हैं वो ध्यान से देख लीजिए कि क्या करेंगे मैं बोलूंगा इंक्रीज इन परसेंटेज मैं परसेंटेज कितने से इंक्रीज कर रहा हूं दो से दो से परसेंटेज इंक्रीज कर रहा हूं दो से परसेंटेज इंक्रीज कर रहा हूं मैं इसको बोलता हूं डब्बा मेथड परसेंटेज इंक्रीज कर रहा हूं दो परसेंट से उसके कारण अमाउंट कितना डिक्रीज हो रहा है देखो देखो अमाउंट कितना डिक्रीज हो रहा है अमाउंट अमाउंट डिक्रीज सिक्सटी सेवन फिफ्टी फाइव रेट दो परसेंट से इंक्रीज किया अमाउंट इतने से डिक्रीज हो गया अमाउंट डिक्रीज करना है मुझे बेस ना मेरा ये येलो येलो अमाउंट मुझे डिक्रीज करना है चौदह लाख तक मतलब कितना सेवेंटी टू तो मुझे बताइए कितना रेट इंटरपोलेशन टेक्निक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेन परसेंट प्लस टू पॉइंट क्या बोले तुम टू पॉइंट ठीक है मैं दो डिजिट में लू तो तो हो जाएगा ना तो कितना आ गया परसेंटेज विल बी आई आर आई इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज एमसीक्यू में डेफिनेटली आ सकता है वो चार ऑप्शन देगा आपको कि आप हमें इम्प्लिसिट रेट निकाल के दीजिए फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या लेनी है किसके बराबर फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी के बराबर आया क्या समझ में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूं मास्टर प्रॉब्लम में है होना चाहिए है नहीं कि है नहीं आई डोंट नो हां क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट ये मेरी किताब में भी मिल जाएगा ट्रम बुक में भी है क्वेश्चन नंबर एट अक्सर इंटरनेशनल लिमिटेड हैज गिवन अ मशीन ऑन लीज फॉर थर्टी सिक्स मंथ बेटा थर्टी सिक्स मंथ मतलब तीन साल थ्री ईयर्स तीन साल की लीज यूजफुल लाइफ साठ महीने मतलब पांच साल यूजफुल लाइफ साठ महीने पांच साल मिला क्या कौन सा नंबर है अच्छा बुक का एट नंबर क्वेश्चन ठीक है थीकर थीकर। हाँ अच्छा मास्टर प्रॉब्लम ही ओपन कर दी वो ज्यादा बेटर है मैं वही बोल रहा हूं मैंने जो मास्टर प्रॉब्लम दी है आप वही अपने पास रखिएगा वो ज्यादा बेटर है मास्टर प्रॉब्लम रखेगा वो ज्यादा बेटर है तो तीन साल का लीज है पांच साल का लाइफ है कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू कितना है एसेट का फाइव लैख अमाउंट कितने इंस्टॉलमेंट में पे होगा थ्री इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पर बता नहीं रहा है कितना? तो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको वो दे रहा है term, तीन साल, A -L -P, annual payment, X. बोल सकता कि नहीं एक्स पर एन बोलो बोल सकता हूं कि नहीं एक्स पर एन क्योंकि वो हर साल इक्वल है पर पता नहीं कितना है इसके अलावा और फेयर वैल्यू किता फाइव लैख यू जी आरवी पचास यूजीआरवी पचास आई आर आर क्या है टेन परसेंट आई आर मतलब आई आर आई कितना है टेन परसेंट और वो उसके तीन साल का एन्युटी रेट दे रहा है और लास्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रहा है वो बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू निकालिए वो बोल रहा है एक्स की वैल्यू निकालिए मैंने आपको अभी अभी आई आर आई का फॉर्मूला बताया था आई आर आई का फॉर्मूला क्या था आई आर आई का मतलब क्या था एक ऐसा रेट जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी आई एल किसके बराबर हो आप सिर्फ दो मिनट बोर्ड पे देखोगे सब समझ आएगा एक ऐसा रेट जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी आई एल किसके बराबर हो फिर वैल्यू प्लस आई डी सी मेरी बात तो समझिए फेयर वैल्यू कितनी है प्लस आईडीसी कितनी है जीरो है ही नहीं ना हाँ प्रेजेंट मेलो जी आई एल में क्या क्या आएगा डीपी डीपी है, और बोलो, और बोलो। एक्स, 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 है ना हाँ और क्या आता है जी आई एक्स में जी आर वी जी आर वी नहीं है यू जी आर वी प्लस पचास यही है ना इन सबका प्रेजेंट वैल्यू कितने पर दस परसेंट पर अरे इस बार दे रहा है ना रही? तो 10 पर इन सबका प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए पांच लाख के बराबर, के बराबर. X की वैल्यू आ जाएगी ना आपकी कैसे निकालेंगे X, X, X का, 10 का बेटा वो आपको दे रहा है टू पॉइंट फोर एट सिक्स एट अरे वो एन फैक्टर दे रहा है आपको आप तो खुद भी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो खुद ही कैसे अरे मल्टीप्लाई बाय पॉइंट नाइन जीरो नाइन इंट एट टू सिक्स पॉइंट सेवन फाइव वन यही तो करते हैं ना समझा कि नहीं चलो मुझे बताओ तो क्या इक्वेशन क्या बन रही है एक्स 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 का वो फैक्टर कितना था टू पॉइंट समथिंग था टू पॉइंट फोर एट एक्स है ना प्लस अच्छा पचास तो आखिरी साल में है ना तो आखिरी साल का प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है पॉइंट सेवन फाइव वन सेवन फाइव वन थ्री क्या हो रहा है कितना थ्री सेवन फाइव सिक्स फाइव इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए बस सॉल्व कर लोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी एनुअल लीज पेमेंट की वैल्यू नाइन फिफ्टी तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ये आईआरआई के कंसेप्ट पर ही होते हैं जो हमने सीखा आईआरआर के फॉर्मूले के कंसेप्ट पर होते हैं। आई बड़ी बात समझ में की नहीं चलिए ऐसे क्वेश्चन आईआरआई के कंसेप्ट पर होते हैं कि एक ऐसा रेट जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल इनिशियल फेयर वैल्यू प्लस आईटीसी के बराबर हो अब वो इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये लीज फाइनेंस होगी कि ऑपरेटिंग होगी बताइए ये लीज फाइनेंस होगी कि ऑपरेटिंग होगी मुझे बताओ फाइनेंस लीज होने की पहली कंडीशन क्या थी ट्रांसफर ओनरशिप अगर क्वेश्चन में देखें तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है रिटर्न की जाएगी मशीन को छोड़ो सेकंड। परचेज ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन में थर्ड हाँ ये चेक कर लेते हैं आ, पांच महीने है आ, पांच साल है असट की लाइफ और तीन साल है वो करना सेवेंटी फाइव परसेंट आ है क्या साठ परसेंट आ रहा है कितना आ रहा है मतलब ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई चौथा स्पेशलाइज नहीं है क्वेश्चन में सिर्फ लास्ट ये आएगा क्या है ये बोलो, ये बोलो क्या है इसको पढ़ो ना क्या लिखा है प्रेजेंट ऑफ वॉट एमएलबी में क्या आता है डीपी नहीं है है तुमने निकाला अभी 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 तुमने निकाला 185 185 185 185, 185, 185, 185, 185 तीन बार अरे हा ना वन 18, एट हाँ वन एट फाइव वन एट फाइव तीन बार करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू और जी है क्या नहीं छोड़ दो तो वन एट फाइव वन एट फाइव की प्रेजेंट वैल्यू निकालो प्रेजेंट वैल्यू घेड़े वन एट फाइव क्या क्या निकाला था तुमने भाई वन एट फाइव नाइन फिफ्टी सिक्स उसकी प्रेजेंट वैल्यू हाँ वन एट फाइ नाइन फाइव सिक्स वन एट फाइव नाइन फाइव सिक्स वन एट फाइव नाइन फाइव सिक्स क्या करोगे मल्टीप्लाई में पॉइंट नाइन जीरो नाइन करोगे जबकि एक ही फैक्टर दे दिया गया टू पॉइंट फोर एट सिक्स एट दिया गया कि नहीं दिया गया करो टू पॉइंट फोर एट सिक्स एट कितना आ रहा है चार लाख बासठ हजार चार सौ पैंतीस रुपए ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम लोगों को नहीं जमा नहीं जमा फिर से बता देता हूं ये फिर से बता देता हूं मैं X क्या आया था X था क्या एनुअल लीस पेमेंट और कंडीशन क्या बोलता है यह पांचवी कंडीशन क्या बोलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम एल पी इज इक्वल टू या इसके इक्वल या इसके आसपास हो आसपास में वो मानता है कि कम से कम नब्बे परसेंट कवर करे कितना कवर करे अब मुझे बताओ आपका ए एल पी एल पी एल पी वन ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और थर्ड ईयर में जी आर वी कितना कितना है वन एटी फाइव नाइन फिफ्टी सिक्स ए ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं मैं बोल रहा हूँ इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू तुम कितना रेट चल रहा था तुम्हारा दस परसेंट ना तो को से तुम्हें दस परसेंट ही तो करना है ना इसका पता नहीं क्यों कितना आ रहा है और दस परसेंट का तीन साल का फैक्टर टू तो पॉइंट फोर एट सिक्स एट दिया रखा है क्वेश्चन में तो कितना आ रहा है फोर सिक्सटी टू फोर ये आ रहा है जबकि फेयर वैल्यू कितनी थी क्या वो पांच लाख के बराबर है पर क्या नब्बे परसेंट कवर कर रहा है सिक्सटी टू फोर थर्टी फाइव डिवाइड बाई पांच लाख इट इज अ फाइनेंस लीज़। ये आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा आया समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं ठीक है बेटा गाइज आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट कौन सी लीज़ होती है जल्दी बोलो अपन अब एस रैडिंग शुरू किए तो खत्म ही करेंगे अब नेक्स्ट लीज लीज कौन सी होती है ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सरेच इज अदर देन फाइनेंस लीज क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको नो डिस्काउंटिंग नो डिस्काउंटिंग कोई डिस्काउंटिंग नहीं नो एमएलपी नो जी आई एल नो यूएफआई नो जी आरवी कुछ भी नहीं तो क्या करना है फिर करना क्या है लेसी एक्सपेंस बुक करेगा लेसर इनकम बुक करेगा किस बेसिस पर एस एल एम बेसिस पर एस एल एम बेसिस पर लेसी लेसर इनकम और एक्सपेंस बुक करेंगे एसएलएम बेसिस पर आया क्या समझ में चलो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको एग्जाम्पल सुनिए लीज टर्म चार साल लीस्ट चार साल फर्स्ट ईयर पेमेंट वन लाख, इंक्रीज बाय फाइव परसेंट एवरी ईयर लेसर ने बोला तू मुझे हर साल पांच पांच परसेंट बढ़ा के देगा तो सबसे पहले बता हर साल का बोल एक एक पाँच एक दस पगले, तो इंटर में एक दस दो सौ पचास एक सौ पंद्रह सात सौ तिरसठ मिला कि नहीं चारों को टोटल करो और एवरेज निकालो एसएलएम बेसिस एक लाख सात हजार सात सौ त्रेपन हम लेसर और लेसी दोनों इस तरीके से लीज रेंट बुक करेंगे कितना कितना लीज रेंट हर साल बुक करेंगे एक लाख सात हजार सात सौ त्रेपन दोनों का आप पहले साल का अकाउंटिंग बता देता हूं मैं चलो पहले लेसी लेसी की बुक्स बताओ लेसी के लिए क्या होना चाहिए इनकम की एक्सपेंस एक्सपेंस तो क्या एंट्री पास करेगा सुनो लीज रेंट एक्सपेंस डेबिट 107 एक सौ सात सात सौ त्रेपन पर मुझे बताओ पहले साल एक्चुअली वो पे कितना कर रहा है पहले साल वो एक्चुअली पे कितना कर रहा है वन लैख ना तो टू बैंक कितना टू एक अकाउंट ओपन करता है आजकल आईसीआई अपने क्वेश्चन में उसको बोलता है लीज इक्वलाइजेशन लीज इक्वलाइजेशन कितना सात हजार सात सौ त्रेपन रुपए लीज इक्वलाइजेशन लेसी की बुक्स में ये लीज इक्वलाइजेशन कहा जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड वो बोलेगा कि मुझे इतना और देना चाहिए था बेटा ये नया चीज है थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको बोलोगे लीज इक्वलाइजेशन बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं वो इसको क्या क्या नाम देगा लीज इक्वलाइजेशन को कहा सॉरी कहां रिकॉर्ड करेगा वो बैलेंस शीट में अब मुझे लेसर बोलो लेसर की बुक्स में क्या करेंगे सेम उल्टा सेम सेम टू सेम उल्टा बोलो बैंक अकाउंट डेबिट बोलो बोलो करेक्ट लीज इक्वलाइजेशन सात हजार सात सौ त्रेपन टू लीज इनकम टू लीज रेंट इनकम उसकी इनकम हो जाएगी ना बेटा uh, कितना एक लाख सात हजार सात सौ त्रेपन बताइए लीज इक्वलाइजेशन ये अकाउंट कब तक खत्म हो जाएगा चौथे साल के एंड में क्योंकि हर साल देखो ना रेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके जीरो हो जाएगा नेट आउट हो जाएगा बोलो बेटा क्लियर तो लीज़ लीज़ ऑपरेटिंग और हमेशा किस, किस जब तक कोई दूसरा अवेलेबल नहीं है वो बोलेगा जब तक कोई और सिस्टमेटिक बेसिस अवेलेबल नहीं है तब तक हम एसएलएम करेंगे बोलो बेटा क्लियर हा इसमें मास्टर प्रॉब्लम जितने भी है मुझे कोई टिक लगाने की जरूरत नहीं आप मास्टर प्रॉब्लम सबको सब सॉल्व सब कर लीजिएगा रैपिड रिवीजन का कोशिश आप ये करेगा कि जिस दिन मैं आपको एक टॉपिक खत्म करवा रहा हूं उसके बाद आप बाकी के सारे क्वेश्चन कर लेंगे जैसे मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं बाकी क्वेश्चन आप सारे के सारे कर लेंगे इसमें मैंने ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग लीज का दिया है गजब क्वेश्चन है ये जरूर ट्राई करना क्यू कोड भी इसके अंदर दिया हुआ है अभी लास्ट चीज बच गई सेल एंड लीज बैक सेल एंड लीज बैक सेल एंड लीज बैक सर सेल एंड लीज बैक क्या है क्या नाम है शिवम एक है शिवम एक है दिग्विजय शिवम ने दिग्विजय को असेट सेल किया तो शिवम कौन सेलर और दिग्विजय कौन बायर दिग्विजय ने वही सेम असेट शिवम को लीज़ पर वापस कर दिया तो अब दिग्विजय का नाम बदल के क्या हो जाएगा लेसर कौन हो जाएगा और शिवम कौन बन जाएगा लेसी शिवम बन जाएगा लेसी सेल एंड लीज़ बैक की अकाउंटिंग शिवम की बुक्स में होगी हमेशा देख वजह से कोई मतलब नहीं है ए एस नाइनटीन हमेशा शिवम की बुक्स बात करता है शिवम मतलब कौन आप पूरा नाम लो सेलर लेसी सो सेल एंड लीज़ बैक की अकाउंटिंग किसकी बुक्स में होगी सेलर लीज शिवम नहीं नालायक सेलर लेसी की बुक्स में ठीक है यस ऑपरेटिंग लीज में लेसर ही डेप्रेशन लगाएगा ऑपरेटिंग लीज में लेसर ही डेप्रेशन लगाएगा ठीक है तो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ सेलर लेसी ये होगा सेलर लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग होगी सर क्यों सेलर की बुक्स में क्यों हो रही है सेलर को क्या मिल रहा है गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल सेलर को हो रहा है गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल तो अकाउंटिंग हमें गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल की ही समझनी है समझा कि नहीं सर कैसे समझेंगे पहला केस वन इट्स अ फाइनेंस लीज बैक दस मिनट बस इट्स अ फाइनेंस लीज बैक इट्स अ फाइनेंस लीज बैक भगवान आजकल श्री की बहुत सुनते हैं अगर उसने प्रार्थना की कि कल से कल से जय सर घर से लें इट्स अ फाइनेंस लीज बैक फाइनेंस लीज बैक में गेन ऑब्लिक लॉस को डेफर एंड एमोटाइज किया जाएगा क्या किया जाएगा डेफर्ड एंड अमोटाइज। गेन ऑब्लिक लॉस को डेफर एंड एमोटाइज किया जाएगा जैसे शिवम ने असेट सेल किया पांच लाख में कॉस्ट है शिवम के लिए चार सत्तर कॉस्ट है शिवम के लिए चार सत्तर तो शिवम एंट्री क्या पास करेगा अच्छा और उसने लीज बैक ले ली उसने क्या ले ली लीज बैक एट किस लीज पे ली फाइनेंस पे तो बताओ शिवम बेचारा जब शिवम जब फाइनेंस लीज पर वापस लाएगा तो लीज को तो एसेट को तो वापस रिकॉर्ड कर लेगा क्योंकि वो लेसी है ना लेसी किस पे रिकॉर्ड करता है शिवम दो एंट्री करेगा एक सेल की एंट्री करेगा एक लीज की एंट्री करेगा सेल की एंट्री क्या करेगा बोलो सेल की एंट्री क्या करेगा बैंक अकाउंट डेबिट पांच लाख टू असेट चार सत्तर टू क्या करेगा टू डेफर्ड गेन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था या नाम क्या है इसलिए वो क्या बोलेगा गेन कितना? शिवम का लीज है मान लो पांच साल का कितने साल का है तो शिवम इस तीस हजार को पांच साल में अमोटाइज करेगा नहीं आया समझ में शिवम इस तीस हजार को कितने साल में अमोटाइज करेगा पांच साल में इनकम बुक करेगा धीरे धीरे मान लो तीस हजार डिवाइड बाय पांच हर साल उसको चलो पहले साल छह हजार बुक कर लिया पेंट में बाकी चौबीस हजार कहां दिखेगा बैलेंस शीट में डेफर गेन बैलेंस शीट में जाएगा आया समझ में बस इतना ही था और ये लीज बैक क्या करेगा बोलो लीज बैक क्या करेगा असेट ऑन लीज लीज अकाउंट डेबिट टू जैसे करते हैं यार ये तो याद है ये तो तुम्हें पता है ना मैं इस पर बात नहीं करने वाला हूं अभी गेन का ट्रीटमेंट समझ में आ गया क्या करने वाले हो डेफर एंड चलो ये पहला केस हो गया केस नंबर टू क्या है केस वन क्या था अब केस टू क्या होगा इट्स ऑपरेटिंग लीज इट्स ऑपरेटिंग लीज बैक ये ऑपरेटिंग लीज बैक होगा ऑपरेटिंग लीज बैक में हमें तीन टर्म को पहले याद रखना है हमें तीन टर्म को याद रखना है एक कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू एक सेलिंग प्राइस मतलब एक्चुअल सेल इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें शिवम का गेन ऑब्लिक लॉस मिल जाएगा और तीसरी चीज हमें चाहिए फेयर वैल्यू मतलब असेट की मार्केट वैल्यू ये तीन चीजें हमें कंपेयर करनी है समझे क्या बोलो अब सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बेट में हमें ये तीन रूल समझने हैं ये तीन रूल समझने हैं। सबसे पहले रूल नंबर वन क्या रूल है शिवम को लॉस हुआ शिवम को क्या हुआ लॉस हुआ ये देखिए क्वेश्चन ठीक है शिवम को लॉस हुआ अभी मैं क्वेश्चन ये बाद में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं इसमें पहले मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं मान लो शिवम के लिए कैरिंग अमाउंट था सौ रुपए और सेल किया नब्बे रुपए पर बताओ क्या आया लॉस आया लॉस का ट्रीटमेंट क्या लिखा है हमेशा कहां जाएगा पीएंडल में एक एक्सेप्शन है लॉस को वो डेफर करेगा वो लॉस को डेफर करेगा अगर उसका लीज पेमेंट फ्यूचर में कम है तो कॉम्पनसेट हो रहा है मतलब शिवम ने दिग्विजय को जब असेट बेची थी ना तो उसको सस्ते में असेट बेच दी नब्बे में कायदे से असेट नब्बे में नहीं बेचनी थी शिवम ने दिग्विजय को असेट दे दी सस्ते में और दिग्विजय से उसने कहा कि देख मैं तेरे को असेट सस्ते में दे रहा हूं अब तू मुझे ये असेट वापस लीज पर दे रहा ना तो तू मुझसे रेंट भी सस्ता लेगा तुम मुझसे रेंट भी कम लेगा तो देखो पढ़ो क्या लिखा है इफ लॉस इज विद द फ्यूचर लीज पेमेंट आया समझ में कि नहीं अगर ऐसी बातचीत होती है दोनों के बीच में तो वो लॉस को डेफर करेगा डी एंड ए लिखा है क्या लिखा है डी एंड ए मतलब हाँ तो मुझे बताइए गोल्डन रूल नंबर रूल नंबर रूल नंबर क्या बोलता है लॉस के बारे में लॉस हमेशा कहां जाएगा पेंडल एक्सेप्शन क्या है अगर सेलर का लॉस कॉम्पनसेट हो रहा है फ्यूचर के लीज पेमेंट में तो डेफर्ड डेफर पहला वाला पॉइंट क्लियर है सबको चलो दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है प्रॉफिट प्रॉफिट पे आते हैं चलो शिवम ने सेल किया 120 में मिला प्रॉफिट आपको कितने का प्रॉफिट है बेटा 20 बट पहले ये भी सुन लो फेयर वैल्यू है मान लो 115 115 115 मतलब मार्केट वैल्यू मतलब कायदे से ये असेट 115 में बिकनी चाहिए थी शिवम को पता नहीं कौन बेवकूफ मिल गया जो उसको 120 देके दे के चला गया तो शिवम को एक्स्ट्रा पैसे कितने मिल गए कैपिटल गेन मतलब डेफरेंट अमोटाइज आपको इस तरीके से सोचना है समझा कि नहीं समझा तो गोल्डन रूल देखो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट के दो हिस्से करने पहला हिस्सा क्या है अप टू फेयर वैल्यू कैसे आएगा अप टू फेयर वैल्यू अप टू फेयर वैल्यू प्रॉफिट कितना है सौ रुपए की एसेट अगर एक सौ पंद्रह में बिकती तो कितना प्रॉफिट होगा पंद्रह तो प्रॉफिट अप टू फेयर वैल्यू जाएगा पी एंड एल में क्योंकि वो है। क्योंकि वो नॉर्मल प्रॉफिट है बताओ शिवम को नॉर्मल से ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ जो भी नॉर्मल से ऊपर प्रॉफिट होगा शिवम उसको डेफर है ना मोटाइज करेगा आया क्या समझ में रूल क्लियर है कि नहीं क्या है रूल प्रॉफिट में रूल क्या है प्रॉफिट में प्रॉफिट में रूल क्या है अप टू नॉर्मल नॉर्मल मतलब फेयर वैल्यू तक पेंडल और कैपिटल गेन कैपिटल गेन कैसे निकलेगा फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस मैं उसको कैपिटल गेन बोल रहा हूं अपनी भाषा में समझने के लिए अरे समझा क्या चलो ये क्या था रूल ये रूल था प्रॉफिट का एक आखिरी रूल है वो हमेशा नहीं लगेगा ये रूल इस केस में लगेगा क्या केस क्या है फेयर वैल्यू इज लेस देन पहले तो मुझे बताओ क्या इस केस में फेयर वैल्यू लेस है क्या कैरिंग अमाउंट से नहीं पर अब देखो अब देखो फेयर वैल्यू लेस है कैरिंग अमाउंट से आर आई एक्चुअली प्रॉफिट पर रुक जाओ अब आप रूल टू नहीं लगाओगे आपका ये एक्सेप्शनली रूल थ्री लग जाएगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट से कम है फेयर वैल्यू बोलो या ना एक नया ए एस इंट्रोड्यूस हुआ ए एस इंपेयरमेंट वाला asset बोलता है इंपेयरमेंट वाला स्टैंडर्ड बोलता है कि जब भी आपकी असेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है तो उसका इंपेयरमेंट लॉस बुक करो तो हम यहां पर इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे पहले कुछ आया है समझ में कि नहीं तो हम यहां पर क्या करेंगे क्या बोल रहा है रिकग्नाइज लॉस इमीडिएटली इन एल तो पहले तो मैं लॉस बोलो कितना आया ये हो जाएगा मेरा इंपेयरमेंट लॉस कितना कितना पीएडल बोलो बेटा गया पीएंडल में अब मेरी एसेट कितने की आ गई अगर मैं अपनी सौ रुपए की एसेट को नब्बे तक लेके आ गया तो अब मेरी एसेट कितने की हो गई अब बताओ नब्बे की एसेट को मैंने कितने में बेचा एक सौ बीस तो अब मेरा जो प्रॉफिट आया तीस का मुझे बताइए ये तीस के प्रॉफिट को तुम्हें नहीं लगता ये फेयर वैल्यू से ऊपर है तो पूरा कैपिटल गेन हुआ क्योंकि जितना भी अमाउंट जितना भी प्रॉफिट कैपिटल गेन होता है उसको डेफर एंड अमोटाइज करते हैं तो ये करेंगे डेफर एंड अमोटाइज कुछ आया समझ में कि नहीं तो प्रॉफिट मतलब फेयर वैल्यू सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू डेफर एंड अमोटाइज बोलो बेटा क्लियर चलो बोलो आंसर करो एक लाख एक लाख एक लाख नो प्रॉफिट नो लॉस सामने देखो यार तुम लोग जल्दी एक लाख अस्सी हजार एक लाख बुक वैल्यू कितनी है फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस एक ही है तो कुल मिला कि बीस हजार का नुकसान हुआ ना नुकसान को कहां ले जाओगे हमेशा ओ सॉरी 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 हां अ हजार की असेट एक लाख में बिकी और फेयर वैल्यू भी एक लाख की है तो बताओ कितना प्रॉफिट कितना हुआ पर ये बीस हजार के प्रॉफिट को डेफर एंडमोटाइज करेंगे कि पी, पी एंडल में पी एंडल। कोई कैपिटल के है ही नहीं, नहीं तो पूरा का पूरा पीएंडल चलो तीसरा एक बीस वाली असेट को तुमने एक लाख में बेचा है और फेयर वैल्यू भी एक लाख ही है क्या करोगे इंपेयरमेंट लॉस ये लॉस लॉस कहां जाएगा पी एंडल में चलो तीसरा चौथा एक लाख की असेट फेयर वैल्यू भी एक लाख और बेचा बीस हजार में तो बीस हजार का प्रॉफिट तो है पर मुझे तो ये कैपिटल गेन लग रहा है बताओ क्यों अरे टू फेयर वैल्यू तो एक लाख जीरो जीरो होना चाहिए ना अरे प्रॉफिट अप टू फेयर वैल्यू तो जीरो जीरो है समझा कि नहीं समझा तो कहां जाएगा ये प्रॉफिट एंड एंडोटाइज आया समझ में कि नहीं पांचवा अस्सी को एक बीस में बेचा कुल मिला के चालीस का प्रॉफिट हुआ पर चालीस के दो हिस्से अप टू बीस पी एंड एल एंड अदर देन बीस डेफर एंडोटाइस नेक्स्ट रूल थ्री लग रहा है रूल थ्री लग रहा है देखो रूल थ्री रूल थ्री लग रहा है ध्यान से देखो तुम्हारी असेट की फेयर वैल्यू तुम्हारी बुक वैल्यू से कम है क्या लगाओगे सबसे पहले कितना इंपेयरमेंट लॉस ट्वेंटी थाउजेंड का इंपेयरमेंट लॉस कहां जाएगा अब तुम्हारी एसेट कितने पर आ गई और एक लाख की एसेट को कितने बेचा तो बीस हजार का प्रॉफिट कैपिटल गेन रेफर एंड मोटाइस आया समझ में कि नहीं ये देखो यही आ रहा है बोलो जी यही आ रहा है बाकी सब नीचे के रिपीट हो रहे हैं मतलब एक जैसे ही है उस टाइप के कर लेना उसको बोलिए इस समझ में आ गया यहां तक यहां तक समझ में आया और अगर कोई डाउट हो तो डाउट बोल दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो डाउट पूछ लीजिए हमारा ए एस नाइनटीन यहीं पर खत्म हो गया मैं आपको चार्ट बुक से बता देता हूं कि हमारे चार्ट बुक में क्या क्या है सबसे पहले कॉमन टर्म्स हैं एमएलपी क्या होता है जी आई uh, क्या होता है अनर्न क्या होता है डिस्काउंटिंग रेट को इम्प्लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं टाइप्स ऑफ लीज कौन कौन सी होती है फाइनेंस होती है ऑपरेटिंग होती है फाइनेंस में सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्स होता है ऑपरेटिंग अदर देन होती है फिर उसके इसके पांच कंडीशन थी ऑपरेटिंग में हम एस के हिसाब से बुक, uh, बुक करते हैं रेंट को फिर फाइनेंस लीज में हमने लेसर के और लेसी के बुक्स समझ लिए यहां हमने सेल एंड लीज बैग भी समझ लिया लास्ट में डिस्क्लोज़र, डिस्क्लोज़र में लेसी की बुक्स में क्या क्या डिस्कलोज करना है और लेसर की बुक्स में क्या क्या डिस्कलोज करना ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा ये थेरेटिकल पॉइंट है तो ये हो गया आपका ए एस 19 यहीं पर खत्म कोई डाउट <laughs> ये मत पूछो चलिए गाइस थैंक यू सो मच ऑनलाइन स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे हमारा अगला लेक्चर होगा ए एस ट्वेंटी का डेढ़ घंटे का था उसका टारगेट बनाया था पर ये दो घंटे जा रहा है मेरे को सोचना पड़ेगा चलो थैंक यू सो मच बाय बाय